हर कहानी का अंत शिव के चरणों में होता है। शिव के चरणों में पहुंचने के लिए पहले कोई कहानी शुरू तो होनी चाहिए। हम जिस कहानी को देख रहे हैं उसकी शुरुआत मैसूर के इस घर से होती है। जल्दी आओ, खाना शुरू हो चुका है। मेहमानों के खाने से पहले मियां बीवी कैसे क्यों में आ गए हैं? अरे खाना खाकर जाते तो कोई बात नहीं, पार्सल भी लेकर जाते हैं। एजी, बच्चे कब से रो रही है, इसे बाहर घुमा कर लाइए ना। इसे चुप कराने के लिए बाहर क्यों लेकर जाऊं, तू देखती जा। क्यों रो रही हो? हंसना रोना सब कुछ अपनी आंखों से कंट्रोल करने वाली हस्ती है ये। श्रीनिवास राव रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। इनकी लुक से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह के सख्त इंसान हैं। सबका ब्लड ग्रुप होता है A, AB, AB, O और इनका है S। इसका मतलब इंग्लिश में स्ट्रिक्ट और हिंदी में सख्त। श्रीनिवास जी की जिंदगी का एक ही सपना है, इस संसार में उनके परिवार का नाम हर कोई इज्जत से ले। इसलिए उन्होंने अपने परिवार के लिए स्पेशली एक परिवार का कानून नाम की पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में बेशुमार रूल्स भरे हुए हैं। उन सभी रूल्स के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण रूल ये है, जो शख्स 100 गलतियां करेगा उसे घर से परमानेंटली निकाल दिया जाएगा। श्रीनिवास जी को जो भी चीज अच्छी नहीं लगती है या पसंद नहीं आती है वो चीज गलत होती है। इनके घर में टीवी है पर केबल नहीं है। घर में जो न्यूज़पेपर आते हैं उसके एंटरटेनमेंट सेक्शन का ये हाल है। इनका नाम है लक्ष्मी, ये श्रीनिवास राव जी की धर्मपत्नी है, ये हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं। इन्होंने अब तक 13 गलतियाँ की हैं। इनके अंदर एक छोटी सी वीकनेस है। महाभारत सीरियल देखती हैं। आप ऐसा ना करें। ये है श्रीनिवास राव की बेटी कस्तूरी, हाउसवाइफ है, पति के साथ अपने मायके में ही रहती है। इन्होंने अब तक 16 गलतियाँ की हैं। साफ सफाई के मामले में ये मैडम पागल है। जरा से भी गंदगी दिखे तो उसे रगड़ रगड़ कर साफ करती रहती हैं, चाहे बच्चा हो या बच्चे का बाप। और ये जो साफ सुथरी शर्ट पहनकर इनोसेंटली मुस्कुरा रहे हैं, ये महाशय है आनंद, कस्तूरी के हस्बैंड। इन्होंने अब तक कुल गलतियां की हैं सिर्फ 9। जितना मैं कहता हूं उतना। श्रीनिवास जी के सामने अगर कोई खड़ा हो तो उसके पास कहने के लिए हां हूं के सिवा और क्या हो सकता है। ऊपर वाले का दिया हुआ मुंह ये सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे महाशय एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर हैं। इनका नाम है निखिल, राव जी के बड़े पोते। इनकी गलती है 0। करेक्ट, इसकी गलतियां 0 ही हैं, लेकिन सिर्फ श्रीनिवास जी की नजरों में।
लेकिन ये हर एक मिनट में एक गलती करता है, लेकिन इसने अभी तक कोई गलती नहीं की है। इसी विश्वास से श्रीनिवास राव जी से बहुत प्यार करते हैं। ये राव जी की छोटी पोती है, अभी तक इसका नामकरण नहीं हुआ है, लेकिन इसने भी एक गलती की है। जानते हैं वो क्या है? राव जी ने जब इसे प्यार से उठाया तो उसने उतने ही प्यार से राव जी के मुंह में सुसु कर दिया। तो ये संसार क्या है जानने से पहले ही इसका अकाउंट ओपन हो चुका है। इसका नाम है मोहन, श्रीनिवास जी का बड़ा बेटा, उम्र 32 साल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये बचपन से ही शादी के बहुत दीवाने हैं। श्रीनिवास राव एक गांव में लड़की देखने जाते हैं, दूसरे में रिश्ता जोड़ने जाते हैं, लेकिन अब तक इनका कुछ भी नहीं हो पाया है। वो इसलिए क्योंकि इनकी कुंडली में एक दोष है और वो लाखों में एक की कुंडली में होता है। इस तरह की कुंडली वालों को उनसे मेल खाती कुंडली वाले बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। तो फिर आप सोच रहे हैं ये सारी तैयारियां किस लिए है? तो उन्हें उस कुंडली वाली लड़की मिल चुकी है। ऐसे में अगर संसार का चक्र रुक जाए तो इनकी खुशियों में पानी फिर जाएगा। छोटू लाने गया है। लिए इनसे ये है श्रीनिवास राव जी के छोटे बेटे सुमन। इनकी चेजिंग और जंपिंग देखकर ये उस चैलेंजिंग सुपरस्टार की तरह लगते हैं जो लोफरों को पावर स्टार पंच देकर या मवालियों को धूल चटाकर आया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10 मिनट पीछे चलकर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैटर क्या है। आइए देखिए। जरा जल्दी दो भाई, टाइम हो रहा है। जरा रुको यार, तुम्हारी तो माला बना रहा हूँ, जल्दी बनाओ भाई। ये क्या भाई, एक के पीछे इतने लोग पड़े हुए, चलो चलकर उसकी हेल्प करते हैं। मुझे और 4 हार बनाने हैं भाई। 4 फूल जोड़कर हार बना लेते हो, 4 लोग मिलकर एक को बचा नहीं सकते? तुमसे तो बात करना ही बेकार। छोड़ दीजिए बॉस, ये मर जाएगा बॉस, प्लीज बॉस, इतनी बेरहमी से मत मारो प्लीज बॉस। कौन है रे तू, चल निकल यहाँ से। तुझे क्या लगता है आंखों में आंखें डालकर घूरेगा तो मैं डर जाऊंगा? इतनी ताकत तेरे अंदर नहीं है। तुझे क्या लगा मैं डायलॉग सुनकर डर जाऊंगा क्या? अगर तू डॉन का डायलॉग मार सकता है तो क्या मैं शहंशाह का डायलॉग नहीं मार सकता? जब तक ये हाथ खुला है तो दोस्ती के काम आता है, पर घूसा बन गया। जंगली शेर फिल्म के शेर सिंह का डायलॉग है ये। तू मेरे सामने फिल्मी हीरो की तरह डायलॉग मार रहा है, अरे मैं किसी को भी मारूं तुझे क्या? ये तेरा रिश्तेदार है क्या? वो है? बॉस, वो मेरा सगा भाई है बॉस। क्या? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? देखो है ना बॉस, जैसे जेरॉक्स मशीन से एक जैसी 2 कॉपी निकलती है ना, वैसे ही हम दोनों हैं। तो तू इसका छोटा भाई है बॉस, एक ही ब्लड है बॉस। इसे क्यों मार रहा हूँ तुझे पता है? इसका छोटा भाई कहाँ है ये जानने के लिए फोन से बैटिंग में पैसा लगाया, मांगा तो कहता है नहीं देता है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो सही टाइम पर मिला। ए, ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये लोग भी वही पूछ रहे थे कैसे बताता। शेर शिकार के लिए निकला था। तो परिवार में पैदा हुआ मासूम हिरन नहीं हूँ जो तेरे जाल में फंस जाऊंगा। चीता हूँ, चीता हूँ। चीता जब किसी जानवर के पीछे पड़ता है तो उसे काट कर उसकी जान निकलने तक सिर्फ उसका खून पीना ही जानता है और भागना भी जानता है। ये मेरा डायलॉग है। ए चल रे भाग भाग भाग। ये है इसका खेल। जब दो लोग आपस में लड़ रहे हो तो ये साइड में रहकर तमाशा नहीं देखता बल्कि बीच बचाव करने आ जाता है और लास्ट में वो खुद फंस जाता है। ये है इसकी प्रॉब्लम। खैर ये इसका रोज का खेल है, फिक्र मत कीजिए।
नमस्कार। नमस्कार। सब ठीक से हो गया ना? अरे बाप रे। कहाँ गए थे? वो माँ ने हार लाने के लिए भेजा था। ओ, तो ले आए? हाँ ले आया, दिखाओ। ये हार है? नहीं पापा, वो चार लोग एक आदमी को पकड़ कर बुरी तरह पीट रहे थे, उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं। बकवास करता है। घर में तेरे भाई की एंगेजमेंट है, तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र नहीं है? पूरे गांव को फिक्र है, खुद को समझता क्या है? तुम महात्मा गांधी है, मदर टेरेसा है, या फिर भगत सिंह है? इसे देख, तुझसे छोटा है ये, अब तक इसने एक भी गलती नहीं की है। तेरी तो। जो जनाब, अब तक कितनी गलती कर चुके हैं आप? यस। घर के छोटे बेटे हो, इसलिए घर वालों का सपोर्ट मिलेगा, मत सोचना। अब सिर्फ एक भी गलती की ना तो घर से बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद सर भी पटक लोगे तो घर के अंदर नहीं आने दूंगा। हे भगवान। सब लोग सुन लो, आज से ये घर में होते हुए भी इस घर में नहीं है, इसकी आदत डाल लो। वो इसलिए ताकि कल जब ये घर छोड़कर जाए तो तुम सब दुखी हो, ये मुझे मंजूर नहीं होगा। कोई भी मेरे सिद्धांतों को ठेस पहुंचाएगा, मैं उसे घर से निकाल दूंगा। छोड़ छोटे, ये सब मामूली है, रोज की कहानी है। हार पहना, लाया है कि नहीं है? नहीं भैया, अच्छा नहीं लगेगा। अरे प्यार से लाया है तो दे देना, अच्छा ही लगेगा। इधर एक एक फोटो निकालता हूँ, फेसबुक पे डाल दूंगा। मेरा छोटा भाई मेरे लिए एक हार लेकर आया है, अच्छा लग रहा ना? नहीं भैया, गंदा फोटो आएगा। गंदा लगेगा? मुझे कितना बुरा लगा पता है तुझे? अच्छा सा हार लाने के लिए भेजा तो हार की जगह एक धागा लेकर आ गया तू। भगवान जाने तुझे कब बुद्धि आएगी। अरे बड़े मुश्किल से तो मेरा एंगेजमेंट हुआ था, वो भी किस हालत में, तुझे पता है ना? भैया वो यहाँ पे हारों का अंबार है, लेकिन मेरे गले के लिए एक भी नहीं। वो क्या है भैया? बाहर में क्या, पापा ने कहा वही करेंगे। क्रिकेट में कोई सेंचुरी मारता है तो हर कोई क्लैप करता है, लेकिन घर पर कोई सेंचुरी मारे तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है मामा। वो सब तो ठीक है, पर तू अपना सामान यहाँ क्यों लाया है? तुम एक गलती जरूर करोगे और इस घर से बाहर भी निकाले जाओगे, इसलिए मैंने एडवांस में ही ये वाला रूम बुक कर लिया था। एक और बात बताऊँ तुम्हें, यहाँ से मैं लड़कियों से भी बात कर सकता हूँ। हाय बेबी। हाय। मैं बदमाश हूँ जैसे ये शरीफ है। पीजिए। रोज तो तुम चाय लाते थे, आज हॉर्लिक्स क्यों? आपको जो भी चाहिए यहाँ आज ही खा लीजिए, पी लीजिए। घर छोड़कर जाने के बाद दूसरे के घर बासी चावल मिलेगा या रोटी क्या पता, लौट कर यहाँ आने पर एक गिलास पानी भी नसीब नहीं होगा। इस घर से जाने के बाद आप कहाँ पर रहेंगे ये मुझे चिंता हो रही है। मेरे घर पे आ जा, मेरे घर में कोई कंडीशन नहीं है। तुझे खाना, कपड़ा, गाड़ी क्या चाहिए बोल, मिल जाएगा तुझे सब। उसके घर में तीन तीन जवान बहनें हैं, कम से कम दो तो तुम्हारे गले में बांधने का प्रोग्राम है। तुम मुझसे शादी कर लो, सर आंखों पे बिठा कर रखूंगी तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें। इसके घर पे मत जा, ये खुद अपनी आंटी के घर पे रह रही है, तुझे अंकल बनाना चाहती है। तू मेरे घर आना, तुझे क्या चाहिए, तुझे जो चाहिए वो मिलेगा। क्या चाहिए? तुझे हमारे घर पे आ, तुझे जो भी चाहिए हम तुझे देंगे। हमारे घर पे आना, क्या चाहिए, क्या सोच के आ रहा है, आना हमारे घर पर। बोला तुम्हें क्या? स्टॉप इट। माँ, माँ आज क्या स्पेशल है? वाह 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 वाह, सुपर माँ, तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? माँ, दीदी ऐसा स्वीट मैंने लाइफ में नहीं खाया। माँ मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियां लेकर आऊंगा, दीदी तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाऊंगा। ए पड़ोसी ने दिया है ये, अच्छा नहीं है इसलिए यहाँ रखा है। सिर्फ खाने के लिए मम्मी की याद आती है ना, उनकी फिक्र तो नहीं है। माँ 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 क्या बात है, रो क्यों रही हो? तू एक और गलती करेगा और मुझे तुझे खोना पड़ेगा, यही गम मुझे खाए जा रहा है। माँ तेरे बगैर मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी बेटा। माँ दीदी माँ माँ यहाँ बैठ जाओ। माँ
माँ तू नहीं चाहता ना कि माँ जिंदा रहे, तू गलती करता रहता है और माँ रोती रहती है। तू छोटा बच्चा है क्या जो तुझे बार बार समझाना पड़े? तुझे माँ से जरा भी प्यार नहीं है ना? मेरे एक गलती करते ही मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा ना, लेकिन ये गलती मैं नहीं होने दूंगा। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। माँ दीदी ने कैसे कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? माँ अरे ऐसे कैसे चलेगा यार, झगड़े तो होते रहते हैं, घर चलना हमारे। मैं नहीं चलूंगा, तुम लोग जाओ। ए, मार्केट में लफड़ा होता है तब तो तू दूसरों की जान बचाता है, आज जब हमारे यहाँ झगड़ा हो रहा है तो बोलता है कि नहीं आऊंगा। वो लोग मुझे घर से निकालने पर तुले हुए और तुम अपनी कहानी सुना रहे हो। ए, ये पैंट तो बिल्कुल अन्ना हजारे जैसी है। हाँ? हाँ? हे, 10 मर्दों से अकेले टकराने वाला जाबाज मर्द है तू, जाबाज मर्द। अच्छा? हाँ, 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 हाँ। ए चुप, मुझे चढ़ाओ मत। पता नहीं घर पे मेरे पापा कैसे होंगे। पता है एक बार क्या हुआ? मुझसे 50 गलतियां हुई थी और इसकी 50 गलतियां मैंने पचा ली हैं। 4 महीने पहले शादी के लिए एक मंगलसूत्र खरीद कर लाया था, लेकिन पापा ने शादी के बारे में जरा भी नहीं सोचा। मुझे घर से बाहर निकालने में जरा भी नहीं हिचकिचाए, इसलिए पापा से तो बचकर रहना ही और इससे भी बचकर रहना। आप अपनी गलती को मेरे सर पे क्यों थोप रहे हो? जाओ यहाँ से। तेरे पापा बहुत डेंजरस हैं। इसे सिर्फ एक ही बात का डर है, अगर इसके पापा ने इसे घर से निकाल दिया तो इसे जमीन जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। फिक्र मत कर, तेरा हक कोई नहीं मार सकता, हासिल करने के लिए कानून है ना, कोर्ट में केस कर देंगे अपन, डर मत, बिंदास रह। ए, मेरे घर वाले ही मेरे लिए सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन यही आखिरी तक साथ देने वाले हैं। उनके प्यार के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सॉरी, मैं नहीं चलूंगा। लाओ मैं ले जाती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं ले जाता। नहीं बाबा तुम कुछ मत करो, बस कोई गलती मत करो। कुछ भूली तो नहीं ना? नहीं नहीं, रस्म के सारे सामान और साड़ियाँ ले ली है ना? हाँ सब कुछ रख दिया है। मंगलसूत्र? मंगलसूत्र क्यों, क्या हुआ? हाँ हाँ वो भी रख लिया। मंगलसूत्र है। रखा ना? हाँ रखा है, रखा है। गलती को सुधारने के लिए आपको अलग से टिकट दिया है, लीजिए रखिए इसे। मेरे लिए अलग टिकट क्यों? हाँ भगवान की मर्जी है साहब। क्या भगवान की मर्जी? इस वक्त आपका नंबर है 99, अगर आपने एक गलती और कर दी तो आपकी सेंचुरी पूरी हो जाएगी, फिर सब लोग आपको ले जाकर गाँव में छोड़ देंगे। सब मुझे ही देख रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम शादी हो रही है ना, इसीलिए मजाक कर रहा था माले। मुझे लगता है आज आखिरी दिन है जब तुम हमारे साथ रहने वाले हो। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरा दिल सुबह से बहुत तेज धड़क रहा है। तेरा दिल धड़क रहा है तो तेरी प्रॉब्लम है। वो बात नहीं है मामा, घर में नानी माँ सब रहेंगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा इसलिए तुम रहोगे। माँ क्या ढूंढ रही हैं आप? मंगलसूत्र, मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है। मंगलसूत्र नहीं मिल रहा? ए जी हे भगवान, तुझे जरा भी अकल नहीं है? माँ जी काम में बिजी रहती है इसलिए उनका भूलना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहाँ था? हर चीज को घिस घिस कर धोना ही आता है क्या? जरा सा ध्यान नहीं रख सकती थी? माँ ने कहा था कि वो सब रख लेंगी इसलिए मैंने ध्यान नहीं ऐसा दिया। क्या ये मालिक को मालूम है? नहीं, अगर नहीं पता चल गया ना तो सबको रेलवे ट्रैक पर लिटा कर ट्रेन चढ़ा देंगे सब। ओहो जरा आप चुप रहेंगे, मम्मी पहले से ही घबराई हुई है। अब तो घर जाकर ही मंगलसूत्र लाना होगा, लेकिन घर जाएगा कौन? किसी को जाने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। माँ तुम क्यों परेशान होती हो, मैं जाकर ले आता हूँ। तू मत जा बेटा, मत जा। मेरा विश्वास नहीं है माँ, ट्रेन छूटने में आधा घंटा बाकी है, मैं यूँ गया और यूँ आया। ओके, और अगर उन्हें पता चल गया तो? पता चलने का चांस ही नहीं है माँ, मेरा दूसरा डब्बा है। दीदी माँ का ख्याल रखना। ओके मैं चलता हूँ। मामा इस बार सेंचुरी मारेगा गारंटी। Thank you.
दीदी को बचा लूँ माँ। प्रार्थना बाद में कर लेना मैडम, पहले मेरे जो पैसे हुए हैं वो तो दे दो। चेंज नहीं है मैडम। मैं तुम्हें 80 रुपए देती तो तुम रख लेते क्या? हाँ, अब 6 रुपए छुट्टा नहीं है तो मैं क्या करूँ मैडम? 6 रुपए छुट्टे नहीं है मतलब हमारी गवर्नमेंट 1 रुपए में 1 किलो चावल देती है। अगर तुम 6 रुपए में 6 किलो चावल लेकर 1 किलो को 30 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो 180 रुपए आएगा। उस 180 रुपए से 180 किलो चावल लेकर फिर 1 किलो को 30 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो 5,400 रुपए मिलेंगे। और फिर तुम उन पैसों से 5,400 किलो चावल खरीद कर फिर उसे 30 रुपए के हिसाब से बेचकर लाखों करोड़ों कमाकर अमीर आदमी बन जाओगे। 1 रुपए में इतना कुछ हो सकता है मैडम? वो सब मुझे नहीं मालूम। मेरे 6 रुपए निकालो, चलो दो। अरे मैडम मेरी जेब फट जाएगी, क्या कर रही है? ये लीजिए 5 रुपए। हाँ? क्या मेरे 1 रुपए कहाँ है? प्रार्थना एक एक पैसे का हिसाब रखती है। अब 1 रुपए छुट्टे नहीं है तो क्या करूँ मैं? उदयगिरी चलो। नहीं साहब नहीं जाना। ऑटो में बैठने से पहले छुट्टा लेकर बैठना चाहिए, याद रखिए। 1 रुपए कम हो गया तो दिमाग खा रही है आप। जैसे 2-4 पैसेंजर मिल जाए तो अपनी तो हो गई। कहाँ से आ जाते हैं? हेलो दीदी, तुम पहुंच गए? मैं ऑलरेडी रेलवे स्टेशन पर हूँ, कल सुबह तक पहुँच जाऊंगी। क्या करूँ, कोई जाने को तैयार नहीं है। घबराओ मत दीदी, मुझे उठा कर ले जाने की हिम्मत ये कौन आके? अरे एक्सक्यूज मी, अरे मेरा ऑटो लेके भाग रहा है, जल्दी चलो। ए कौन हो तुम और ऑटो को कहाँ ले जा रहे हो? ए जरा चुप रहो। ए स्टॉप, आर यू मैड? प्लीज कहा ना, कोऑपरेट करो। कोऑपरेट करो? हाँ मैडम। ऑटो रोको वरना तिरुपति एक्सप्रेस छूट जाएगी। मुझे भी उसी ट्रेन में जाना है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। किडनैप नहीं कर रहा हूँ। किडनैप? मेरी जान को बचाओ, हेल्प मी। स्टॉप 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 स्टॉप, तुम बहुत तेज चला रहे हो। मीटर बंद करो। देखो ज्यादा चिल्लाओगे तो मीटर निकाल के मुंह में डाल दूंगा। बकवास करके दिमाग खराब कर रही है। ओह चाबी नहीं है। अभी बताती हूँ, रुक। ओह एंगेज आ रहा है। जल्दी बैठिए मैडम, कुछ भी हो जाए आज उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरा बैग उस ऑटो में है, प्लीज जल्दी कीजिए। आप मुंह बंद करके नहीं बैठ सकती हैं क्या? उस 1 रुपए के लिए आपका बैग गया और मेरा तो ऑटो ही चला गया। अरे रे रे, मेरा बैग, इसमें पैसा भी था। ओह गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। तुम क्या समझते हो कि मैं भूल गई हूँ? चलो 1 रुपए निकालो। किस बात के 1 रुपए? चलो निकालो। ये दोनों ऑटो मिला करके आपका 600 रुपए बिल हो गया। 600 रुपए? 1 रुपए काट के 599 दे दीजिए और उसी 1 रुपए से 1 किलो चावल लेकर के 30 रुपए में बेच दीजिए और उससे 30 किलो चावल लेकर। ओके ओके ओके, देती हूँ, रुको। सब चेक कर लिया ना? ले आया माँ, मिल गया। तुम्हें सीट मिल गई ना? हाँ मिल गई। तो इधर क्यों झांक रहे हो? बस यूं ही। बाहर मत रहो, जाकर बैठो। ठीक है पापा। 24 Yes. 20. मेरे 600 रुपए भी चले गए। ओम मस्तुटो कोइलाए नमः। आप इस संजय पाटिल के साथ ट्रेवल कर रहे हो, मतलब बिल्कुल सेफ हो। 1940 के जमाने में 45,000 लोग मच्छर काटने की वजह से मलेरिया के कारण मर गए थे। अब डेंगू बहुत डेंजरस है। पत्नी है? हाँ। तो क्या बेटी है? मेरी साली है। साली के साथ आपका बहुत अटैचमेंट लग रहा है। पूरा सफर खराब करेगा ये। संभल कर बहन जी, मच्छर काट लेगा तो डेंगू हो जाएगा। संभल कर रहना। मैं नीचे ही सोऊंगा, तुम्हें सुबह 6 बजे का अलार्म लगा रहा। देखो खुद से बाहर मत जाना, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे जगा देना। पिताश्री भगवान जी, रमैया राधिका रक्षिता, तुम तीनों रंभा और वशी मेनका के ड्रेस में कभी नजर मत आना। मेरा धर्म भ्रष्ट मत करना। मैंने हर रोज की तरह आज भी अपना पूरा काम कर दिया है, कुछ भी नहीं बोला है। ओह शिट, वाटर बोतल। बहन जी क्या है? मेरा नाम संजय पाटिल है बहन जी। हाँ तो मैं क्या करूँ? आप जरा ये बैग संभाल लेंगी? मेरे पास तो पहले से बहुत सारे बैग हैं। आप अपने बैग का ठीक से ख्याल रखना, नहीं तो कोई उठा कर ले जाएगा। करेक्ट। एक्सक्यूज मी सर, आई एम संजय पाटिल। हेलो सुमंत सर, आपसे एक हेल्प चाहिए। मैं पानी का बोतल लाना भूल गया, जरा ये बैग संभाल लेंगे क्या? दो। यहाँ मुझे सब चोर जैसे लग रहे हैं, काफी मुझे जेंटलमैन जैसे लग रहे हैं। ओके सर, बैग का ख्याल रखना सर। ओके नो प्रॉब्लम सर। आप अपना नंबर दे देते तो ट्रेन छूटते ही एक मिस कॉल करेंगे तो मैं फट से आ जाऊंगा। 225 225 124 124 सर। हाँ
वो मेरा नंबर है सर। ओके ओके सर, बैग का ध्यान रखना। 500 रुपए दिए ना? कभी दिए साहब। व्हाट आर यू टॉकिंग, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, तुझे मैंने 500 रुपए दिए और तुम मुझे झूठ बोल रहा है? झूठ मैं नहीं बोल रहा, झूठ आप बोल रहे हो। आपने पैसे दिए नहीं तो मैं छुट्टे कहाँ से दूंगा? बैंड बाजा बहुत शानदार तरीके से बजाना, लड़के के घर वाले पहुंच चुके हैं, चलो बजाओ। सफर आराम से कटाना। हाँ। नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। नमस्ते। भाई साहब, आपके चेहरे से तो खुशियां फूट फूट के निकल रही है। ए, सुमंत जल्दी उठ, तिरुपति आ गया। क्या जीजा, तिरुपति इतनी जल्दी आ गया? इतने सुकून से तो कभी घर पे भी नहीं सोया। ओ खिचड़ी भाई। कौन खिचड़ी भाई, तुम किससे बात कर रहे हो? जानते हो मेरा नाम संजय पाटिल है, मैंने लंदन से पीएचडी किया है, पता है? सर कूल सर कूल। अरे क्या कूल, फर्स्ट रैंक में कितना कूल होकर सोया था, लेकिन मुझे ट्रेन में किसी ने सुकून से सोने तक नहीं दिया। अरे किस्मत, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? ओ ठीक है, बहस कीजिए, मैं चलता हूँ। ओके जाओ जाओ। चलो चलो जल्दी चलो, सब आएंगे, पहले आप तो बैठो। पापा ने भले ही लेट करवाया है, लेकिन मेरे लिए रिश्ता बहुत बढ़िया करवाया। जैसा सपना देखा था वैसी शादी हो रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या रिस्पेक्ट है, क्या इज्जत है ना, मजा आ गया। ए, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू कहीं और खोया हुआ है। जी कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं, और तूने ये शॉल क्यों ओढ़ रखी है? ठंड लग रही है। ठंडी ये देखो, बाहर इतनी तपती धूप है और इन्होंने गाड़ी को शिमला बना रखा है, कमाल आदमी है। मामा ने सेंचुरी मार दी, कंफर्म। ए तू चुपचाप बैठ, सुमंत ये कैसे हुआ? कुछ नहीं हुआ जीजा जी। अरे क्या कुछ नहीं हुआ, ये ड्राइवर गाड़ी रोको। जीजा जी पापा को फोन कीजिए। गाड़ी मत रोको, अभी गाड़ी रोको यार। ठीक है बताता हूँ। दिखने में तो शरीफ लग रहे हो, लेकिन मेरी दुकान में आकर मुझे फटकार रहे हो। कौन किसे फटकार रहा है, तेरे सिर पे बैठ के चक्की किसको क्या? हाथ भी डाल दिए, जहाँ गुंडा कर दिए, कैसा आदमी है ये? छोड़ो छोड़ो, क्या क्या कर रहे हो, क्या बात है, लड़ क्यों रहे हो तुम लोग? आई एम श्योर सर, आई हैव गिवन हिम 500 रुपीज फॉर दिस इडली। हिंदुस्तानी होकर इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं, हिंदी में बताइए ना सर। हाँ ठीक है, मैंने इसे पैसे दिए। जिद क्यों कर रहे हैं सर, अगर ये कह रहा है तो हो सकता है दिए हो। हाँ। एक बार चेक करके देखिए ना, हो सकता है दिए हो। ये यहाँ पे किसी को चुना लगा रहा है? बिल्कुल नहीं भाई साहब, मैंने इसे पैसे दिए हैं, एक बार चेक करके तो देखिए। मत देना सर। क्यों, इनका वॉलेट लेकर उड़ने का इरादा है क्या? तुम दोनों पार्टनर्स हो ना, एक दुकान में आने वालों को लूटता है और दूसरा घरों में चोरी करता है। चोरी कर रहा हूँ? हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है, घर का ताला तोड़कर वहाँ चोरी करते हुए। ओहो, तो तुम वो लड़की हो? हाँ जी, मैं वही लड़की हूँ। रात में क्या तुम इसी तरह काम करके कमाते हो, इंसानियत है या नहीं? हेलो, किस कमाई की बात कर रही हो, वो हमारा घर है। हाँ? चाबी नहीं थी इसलिए मजबूरन ताला तोड़ना पड़ा। तो वो तुम्हारा घर है? क्रीम बिस्किट। हेलो, क्रीम बिस्किट चाहिए तो बताओ, लाकर दे दूंगा। खाने के बाद सबको चोर चोर करके बताती रहना। चिल्लाना क्या है, तुम चोर ही हो। जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। चलिए सर, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। हेलो, चलो। मैंने तुम्हारे साथ कौन सा धोखा किया? तुम चोरी करने के लिए ऑटो लेकर भागे नहीं क्या? उसके 600 रुपए मैंने भरे हैं। हेलो प्रार्थना, एक एक रुपए का हिसाब रखती है। सर प्लीज सर, चलिए। बढ़िया, इस समझाने का बनाता है। बेटा, अगर आज तुम यहाँ नहीं होते तो ये झगड़ा जल्दी खत्म नहीं होता। इडली खाओगे क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, थैंक्स। प्यार से खिला रहा हूँ बेटा, इनकार मत करो। मेरे हाथ से बनी हुई पुदीने की चटनी के साथ में ये इडली खाओगे, मजा आ जाएगा। तू इडली चटनी में आकर के क्यों रुक गया, आगे बताना क्या हुआ। मैं तुम्हें 4 चीजें बताता हूँ, उन सब में क्या डिफरेंस है गेस करके बताओ। मामा, चौथी फोटो में तुम्हारे पीछे ट्रेन नहीं है, करेक्ट? करेक्ट। आइए सर, आज तो उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। बेटा बताओगे कहाँ जा रहे हो? मेरे भाई की शादी है तिरुपति में। हाँ हाँ, उसके लिए पूरी फैमिली जा रही है। तिरुपति जा रहे हो? बेटा तुम्हारी ट्रेन जा रही है। क्या? ये लो पकड़ो। बेटा तुम्हारा भाई मेरे पास है, ये लो। कल भाई की शादी है, मंगलसूत्र मेरे पास है, किसी भी तरह ट्रेन पकड़नी है, आप कोई रास्ता बता सकते हैं? बेटा मड़िया में एक कैंटीन है। हाँ। मेरा लड़का सामान लेकर वहाँ अक्सर जाता रहता है। हाँ। वहाँ जाना चाहोगे? हाँ। वो कहाँ है? चलो बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस। यहाँ पर एक ट्रेन थी ना? वो तो कब की चली गई, उसमें मेरी घर वाली थी। मे आई हेल्प यू? यहाँ से बस स्टैंड कितनी दूर है? बंडिया ऑन ड्यूटी, चले क्या? ये तो नशे में है, गाड़ी चला पाएगा? हेलो बॉस, लंगड़े लोग अच्छों को मार के दौड़ाते हैं, मैं गाड़ी नहीं दौड़ा सकता। अरे,
ये हमारे गेस्ट हैं, इनकी ट्रेन मिस हो गई है, इन्हें नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचा देना। हर हाल में पहुंचाऊंगा, चलो गाड़ी में बैठो बस, आ जाओ। गाड़ी को भी जो पैक पिलाते हैं, चाबी कहाँ है? संभाल कर ले जाना। चलो हो गए, चल। सही समय पर अगर गाड़ी नहीं पकड़ी होती तो मेरी जिंदगी टॉयलेट के लाइन में खड़ी होने जैसी होती। ट्रेन छूटने से पहले मुझे मिस कॉल देने को कहा था। हो सकता है बैलेंस नहीं होगा, पता नहीं बेचारा किस प्रॉब्लम में होगा। सर सर कहाँ चले गए? और कहाँ गए होंगे? बाथरूम में गए होंगे। सर सर एक्सक्यूज मी, नो सर, बहुत ही सिंसियर है, बैग वहां नहीं छोड़े और बाथरूम में लेकर आ गए। वेरी गुड बॉय। बहन जी, क्या है? अंदर कोई और है क्या? अंदर कोई नहीं है, ठीक से क्लीन नहीं किया ना तो जान ले लूंगी। मेरे दोनों हाथ नहीं है सेठ, कुछ दान धन कर दो। हाथ नहीं है तो क्या हुआ, भीख नहीं मांगनी चाहिए। ए, तू कौन होता मुझे समझाने वाला? क्यों, समझा नहीं सकता क्या? मत समझा, मैं रोज आने जाने वाला पैसेंजर हूँ, तू कभी कभार सफर करके मुझे समझाएगा क्या? सर आप टीसी है? टिकट नहीं है सर। तो छोड़ दो सर। सुनो जल्दी चलो, देर हो रही है। चलता हूँ। हेलो सर, मैं हूँ संजय पाटिल। कौन संजय? ए रॉन्ग नंबर है सर, फोन मत काटना सर। सर ट्रेन में मैंने आपको बैग दिया था ना, वही संजय पाटिल सर। ओ संजय पाटिल हो, हाँ बोलो क्या है। सर आप बोगी में नहीं हो क्या? सर बोगी क्या, मैं तो ट्रेन में ही नहीं हूँ। बापरे, ट्रेन में नहीं है सर? आप ट्रेन में क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या समझाओ, वहाँ ट्रेन ही नहीं थी, नेक्स्ट स्टॉप पे चढ़ जाऊंगा। लेकिन मेरा बैग सर। तुम्हारा बैग सेफ है समझे? सर मेरे सारे सर्टिफिकेट्स उसी बैग में है, सुबह इंटरव्यू के लिए जाना है। नेक्स्ट स्टॉप श्री अनंतपुरम है, मैं वहाँ से चढ़ जाऊंगा। सर मेरी बात समझिए सर, ये गाड़ी अनंतपुरम में नहीं रुकेगी सर। नहीं रुकती, फिर भी मैं रोक लूंगा आज। कैसे रोकोगे सर? ये मेरा काम है, सिंपल है, छोड़ो। हाँ, चेन खींच को रोकना पड़ेगा। एक मिनट रुको सर, मैं देखता हूँ। ये महान माता कौन है? बच्चे खेलने वाले ट्रेन में बच्चों को खिलाते हुए मैंने देखा है, इसने तो ट्रेन में ही बच्चे का झूला लगा दिया। एक मिनट रुको सर। हाँ, अरे इसने तो ट्रेन को ही जिम बना दिया है, इसका बेड़ा करखो। सर मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी चेन खींचने को मिलेगी, इसीलिए सर आपको ही ट्रेन पकड़नी होगी। जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं आधे घंटे पहले ही पहुँच जाएंगे। बीएपी सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे ना सर? क्या है सर, आप चोर तो नहीं हो ना? मैं चोर होता तो अपना फोन स्विच ऑफ नहीं कर देता। आपकी बात में लॉजिक है सर। खैर तुम एक काम करो, ये पता करो कि ट्रेन का अगला स्टॉप कहाँ पर है। ठीक है, करता हूँ सर। हे कौन है रे? हाँ? टिकट नहीं है क्या? है सर। दिखाओ। बैग में है। बैग में है तो उसमें से निकाल के दिखा दो। बैग दूसरे के पास है सर। अपना टिकट तो दूसरे के बैग में क्यों रखता है भाई? वो बैग मेरा ही है। टिकट तो तेरा है ना? बैग भी मेरा है, टिकट भी मेरी है सर। तू कहना क्या चाहता है भाई? तूने अपना टिकट अपने ही बैग में रख करके उसे दूसरे के हाथ में क्यों दिया? जाओ उसे लेके आ। वो ट्रेन में नहीं है सर। मतलब टिकट इस ट्रेन में नहीं है। फाइन, भरता हूँ सर, लेकिन पैसे भी बैग में ही है सर। देखो प्यारे, माना कि मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है और कविता को तो मैं जान से पसंद करता हूँ। तुम्हारी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा एक काम करो, मुझे एक कविता सुना दो, तुम्हारा फाइन माफ कर दूंगा। कविता सुनाऊं? तुझे क्या हुआ? मैं भी एक कविता सुनाऊं क्या सर? तू कविता सुनाएगा? ये बहुत अच्छी कविता सुनाता है सर। ये तेरा भाई है क्या? जी नहीं सर। चुप रहो, चलो सुनाओ। बाजू की गली का एक कुत्ता मुझसे बोलने लगा भौंकू, मैं भी उसके सामने खोला मुंह तो बंद कर दिया अपना मुंह। क्या बात है सर, कैसी लगी कविता? मैं वो कौन समझता है, कविता है ये, कविता है ये, ऐसी होती है कविता। भाई साहब थोड़ी सी जगह दे दो। चल जाया बॉस। मंडे। ए तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं डेली यहाँ से एक पैसेंजर लेके जाता हूँ, उसके पैसे से टॉनिक पीता हूँ। अरे यार उसका पैसा मैं दे दूंगा, लेट हो रहा है, जल्दी चलो। अरे डरो मत बॉस, करेक्ट टाइम पे तुमको ट्रेन में बिठा दूंगा। अरे गाड़ी तेरा भाग चलेगा, वो मेरी सीट है, उतर उतर नीचे, पीछे जगह नहीं है तो खड़ा रहे। ले मंडे आ गया, चलो रे उतरो, स्टॉप आ गया। अरे ये क्या कर रहे हो, तुमने तो कहा था लास्ट स्टॉप तक जाऊंगा, मंडिया अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। कान के नीचे बजाऊं क्या? बस भी अपने स्टॉप पे ही रुकती है, और मेरा ऑटो जहाँ टॉनिक मिलता है वहाँ नहीं रुका, तो मेरे लिए शर्म की बात है ये। जानते तू नहीं समझे, हमारा कुमार नहीं दिख रहा है। क्या कुमार नहीं दिख रहा है? नहीं, कैसे गायब हो सकता है? मेरे गाड़ी में जितने लोग चढ़ते हैं उतने उतरते समय क्यों नहीं होते हैं? यह लॉजिक मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुमार कहाँ है? अरे वो कहीं पंडीपुरा के नाले में या टर्निंग के संडास में, चिंदीगिरी बाजार के सड़क में उसका बॉडी पड़ा होगा। जा जाके उठा ले जा।
कुमार बड़े आए, लास्ट चांस है, मैं खाली एक टॉनिक पी के आऊँ क्या? हाथ जोड़ता हूँ, जल्दी हो कराओ, चक्कर में रहा तो मेरा बैंड बच जाएगा। चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी? हाँ, हाउ आर यू गाइस, ये कुर्सी हट रहा है, बीच में आ रही है। ए, 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ, इसने पी रखी है, बैठ जाओ। लोकल टॉनिक है। छोटे भाई इधर आ। अरे कब से चिल्ला रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है, किधर गया था, कितनी देर इंतजार करूँ? वो जो टॉनिक पी रहा है ना, वैसा लोकल टॉनिक छोड़ के मेरी टॉनिक 100 रुपए वाली लेके आ जा, जा। क्या जल्दी ला, नहीं तो खून हो जाएगा। चाहे कोई भी आए, आई डोंट केयर ऑफ एनी पर्सन। क्या है ये, लोकल है क्या? 5,000 की एक बोतल है ये। जो टॉनिक मैं पीता हूँ उसे छोड़ के बाकी सब मेरे लिए लोकल है। तुझे इतना घमंड क्यों है? मंडिया के रहने वाले गन्ना उगाते, सेंग नहीं झाड़ते, और तू मेरा सर्वेंट, मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। क्या कहा, मैं तेरा सर्वेंट हूँ? और क्या, मैं पब्लिक हूँ, पुलिस पब्लिक सर्वेंट है, इसलिए तुम मेरे सर्वेंट हुए कि नहीं? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, चल। फोन उठाओ। हेलो। ए, सो रहे थे क्या? अरे कहाँ सोऊं सर, पीसी मेरे पीछे पड़ा है। कॉर्पोरेशन वाले पागल कुत्तों को पकड़ने के लिए जैसे दौड़ाते हैं ना, वैसे ही मेरे पीछे पड़ा है, टिकट कहाँ है करके। तो फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाई? सर 30 रुपया भर कर मैंने ये कॉलर ट्यून लिया है सर, जल्दी फोन उठाऊंगा तो बर्बाद हो जाएगा ना सर, वैसे भी मल्टी कॉलर ट्यून है सर। सर गाना अच्छा है ना सर? मैंने तुम्हारी कॉलर ट्यून एंजॉय करने के लिए फोन नहीं किया है, ये बताओ ट्रेन कहाँ है? सर अभी 15 मिनट में मंडिया पहुंच जाएगा सर। दोबारा ये इधर दिखाना तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। अरे बाप रे, कहाँ होगा, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये ट्रेन तो ऑलरेडी मंडिया पहुंच चुकी है। मैंने बेकार में अपना बैग उसके हाथ में दे दिया, सारे सर्टिफिकेट उसी में है, कल इंटरव्यू कैसे दूंगा? अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पहले गाड़ी में बैठो। अतिथि देवो भव, तुम ऐसी बातें मत करो यार, बोलो तो मैं तुम्हारे पैर। अरे नहीं नहीं नहीं, चलो गाड़ी में बैठ, चलो चलो बैठो। अरे अरे ऑटो में बैठो, ऑटो में बैठो मेरे पास। ठीक है, तुमने रोक लिया इसलिए छोड़ दिया। अरे मेरा टॉनिक कहाँ गया यार? अरे गाड़ी चलाओ यार, टॉनिक के पीछे क्यों पड़े हो? अरे टॉनिक के साथ कमर के नाड़े में चाबी भी थी। नॉनसेंस। अरे कहाँ गई मेरी चाबी? अरे कहाँ गई? ये चैन से पीने नहीं देगा। गिर गई। घर में जाओ तो बीवी का आतंक, यहाँ आओ तो इसका आतंक, इसीलिए मैंने कहा था मैं यहाँ नहीं आऊंगा। फिर से वही लोकल। अरे हाँ, मेरे ताऊ के लोकल है। तुम सच में ईमानदार पुलिस हो? मेरा कमर का नाड़ा गुम हो गया, तुमको कंप्लेंट कर रहा हूँ, ढूंढ के दो। तुम्हारे उस फालतू नाड़े से मेरा क्या संबंध है, बताएगा मुझे? वो हमारे पुरखों की खानदानी निशानी है, मेरे दादा ने मेरे बाप को दिया था, मेरा बाप ने मेरे को दिया था, और उसे मैं अपने बेटे को दूंगा, और तुम उसको फालतू बोल रहे हो? हिम्मत कैसे हो तुम्हारे? नाड़े को फालतू बोला? हेलो सर, आप कहाँ हो सर? ये ट्रेन तो प्लेटफॉर्म से चलने भी लगी है। मंडिया पहुँच गया सर? मंडिया तो कब का पहुँच गया था, 10 मिनट हो चुके हैं ट्रेन को खुले हुए सर। शिट, क्या ट्रेन नहीं आई? ट्रेन अभी तक आई नहीं है, 2 पैग और पीने हैं, 10 मिनट पहले ही गुजर चुकी है। पता नहीं कहाँ तुम्हारे साथ फंस गया, इससे अच्छा अकेला चला जाता, अब तक शायद पहुँच भी गया होता। ट्रेन हमारे लिए कहाँ रुकेगी, उसमें हमारी गलती है क्या? पापा, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, अब क्या करूं? पापा, उस समय तुमने पापा से क्या कहा? फोन पापा ने नहीं किया था। सुमन, हाँ मैं तुम्हारा जीजू बोल रहा हूँ। ओह, तो आप हैं, बोलिए। अरे वो खाना खाते समय किसी का हाथ लगकर सारा खाना नीचे गिर गया। हाँ तो? मुझसे कहा गया कि जाकर खाना लेकर आओ, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म पर उतरने को सही नहीं लग रहा है, इसलिए किसी भी तरह तुम यहाँ खाना लाकर पहुँचा सकते हो प्लीज? ए हेलो 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 प्लीज। हेलो सर, मैं PhD कर चुका हूँ और आपके पापा को खिचड़ी दूर नहीं होगा मुझसे। संजय जी छोटी सी हेल्प प्लीज, ये सब मुझसे नहीं होगा, मेरा बैग मुझे लाकर दो, मुझे नींद आ रही है। दी हूं जी। अरे कौन है? कोई बात नहीं यार, 10वीं क्लास में आपको 625 में से 515 नंबर मिले थे ना। सर मैं दूसरे लड़कों की तरह लड़कियों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था, मेरी दोनों नजरें बुक में ही रहती थी, इसीलिए मैं फर्स्ट आया। तो इसे फाड़ दूं? सर आपके पिताजी कौन सी बॉगी में है? मैसूर से आने वाली ट्रेन
मेरे पास सिर्फ 100 रुपए पड़े हैं। अगर मैं उसके पिताजी के लिए खाना लेकर नहीं गया तो वो मेरे सारे सर्टिफिकेट फाड़ कर फेंक देगा। अगर उन्हें खिलाया तो मैं क्या खाऊंगा? अरे भाई खिचड़ी वाले, एक पैकेट कितने की है? 35 रुपए का एक पैकेट है भाई। अच्छा, 15 रुपए में दे सकते हो क्या? बाहर जाके भीख मांग लो। उतना टाइम नहीं है यार, 100 रुपए देता हूँ, तुम मुझे 3 पैकेट दे दो। इस बॉगी में तो इतने सारे लोग हैं, अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें उसका बाप कौन है? और अगर पता लगा भी लिया तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगा कि मैंने PhD की है, मैं संजय पाटिल हूँ। आइडिया। ए संजय, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। hey, मैंने PhD की है, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे इशारे पर नाचने वाला नहीं। तुम्हारी डिग्री सर्टिफिकेट सब मेरे पास है। खिचड़ी ले लो, खिचड़ी ले लो, खिचड़ी ले लो, खिचड़ी, खिचड़ी ले लो, खिचड़ी। दही चावल है क्या? क्या दही चावल? मुंह बंद करके सो जाओ, लेडीज लोग घूम रही हैं। खिचड़ी ले लो, खिचड़ी। एक पैकेट 40 रुपए। 40 रुपए में? हाँ। तुम आधी रात को इतनी मेहनत करके लोगों को खिचड़ी बेच रहे हो, 40 रुपए का? मैं ये लो 50 रुपए। ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है भाई। खिचड़ी ले लो, खिचड़ी। कितने का? 50 रुपए। ठीक है, एक देना। हाँ? ये खिचड़ी ले लो, खिचड़ी, खिचड़ी ले लो, खिचड़ी, खिचड़ी वाले। हाँ? कितने का है? 50 रुपए। प्लेटफॉर्म में 35 रुपए में मिलता है, तुम 50 रुपए क्यों ले रहे हो? अच्छा, तो वही से ले लो भाई। अरे हाँ बाबा, वही से ले लेंगे, तुम मत समझाओ। अच्छी बात है, खिचड़ी ले लो, खिचड़ी। सर, इस वक्त कौन सी रिंगटोन बज रही है सर? चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या है, चल रहा है? हाँ? मेरे पापा को खाना दिया कि नहीं? नहीं सर, नहीं दे पाया सर। क्यों नहीं दिया? क्या सर, आपके पापा बहुत कंजूस है सर। मैंने 33 रुपए में एक प्लेट खरीदी है सर, और वो 35 रुपए में मांग रहे हैं। एटलीस्ट 37 रुपए में अगर वो ले लेते तो मुझे कम से कम 4 रुपया फायदा होता ना सर। तुम उन्हें खाना दोगे कि नहीं? नहीं सर, नहीं दूंगा, मेरी मर्जी। डिग्री में तुम 5 सब्जेक्ट में फेल हुए थे ना सर? क्या है ना कि डिग्री लेते समय मुझे 5 लड़कियों से प्यार हो गया था सर। लव लेटर लिखते 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 पेन की सारे इंक खाली हो गई थी सर, इसीलिए एग्जाम के टाइम में इंक बची नहीं थी सर, और मैं फेल हो गया था सर। मैं इसे फाड़ के फेंक दूं तो अगली बार फर्स्ट क्लास पास होगे। फायदा ना मिले कोई बात नहीं सर, मैं मूल पर ही खिचड़ी दे दूंगा सर। खिचड़ी ले लो, खिचड़ी ले लो, खिचड़ी ले लो, खिचड़ी ले लो। कोई बुला क्यों नहीं रहा है? खिचड़ी ले लो, खिचड़ी ले लो। अरे पहले ही बोल दिया ना, जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। प्लेटफॉर्म पर 35 रुपए में मिलती है, मैं आपको 30 रुपए में देता हूँ। हम प्लेटफॉर्म से ही लेंगे सर। लास्ट सिर्फ एक ही पैकेट बची है सर, 20 रुपए देकर ले लो सर। नहीं चाहिए सर, 10 रुपए में ले लो सर। नहीं चाहिए, बाहर में जाओ, दाल में दे रहा हूँ सर। मैं तुम्हें भिखारी दिख रहा हूँ जो तुमसे दाल लूंगा? सर ले लो सर, आपका बेटा दूसरी बोगी में इसका पैसा दे चुका है सर। पैसा लेने के बाद तुमसे फिर ले रहा है, भाग गया से। ओहो, ऐसा क्या? मतलब जो हमें खिचड़ी देने आया था वो दिखने में ही बड़े घर का लग रहा था। ओ अरे बेचारा, मैंने भी उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा था? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? अरे मेरे बड़े भाई, रामनगर आने से पहले तो पहुंचा दोगे ना प्लीज? पहुंचाने की बात छोड़ो बॉस, ऐसा सोचो कि तुम ऑलरेडी ट्रेन के अंदर हो, तब तक अपन अच्छा गाना बजाता है, सुनते रहो। FM रेडियो में आग लग गई है इसलिए सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, चेंज करता हूँ। बहुत सारे लोग ट्रेवल कर रहे हैं, पैसे कमाएंगे। सर सर प्लीज सर, सर मैंने कभी विदाउट टिकट ट्रेवल नहीं किया है सर, सर आज पहली बार हुआ है सर, सर रहने दो ना सर, सर प्लीज। जिंदगी में कभी तुमने फाइन भरा है क्या? नहीं सर। पहली बार भरो और जाओ। सर 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 प्लीज सर, सर रहने दो। अरे बाप रे, अगर मैं इस टकले के हाथ में लग गया तो ये खाकी वालों के हाथ में मुझे सौंप देगा, इससे पहले मैं भाग जाता। इतने सारे लोग विदाउट टिकट इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हमारी सरकार आखिर चलेगी कैसे? ए, हाँ? चुप कर। अरे किसी तरह भागते हुए यहाँ तक पहुँच गए। ए, हेलो, ए, होल्ड डाउन, ए, होल्ड डाउन। अरे रुक। ओ माँ, ए, गाड़ी मुझे पकड़नी है, तुझे नहीं। मैंने बोला था ना ट्रेन में हो, ऐसा समझ लो। अरे रुक जा यार, मुझे तो आने दे। बाय बाय। मेरे बनाए हुए परिवार कानून के मुताबिक सुमंत नाम के व्यक्ति ने 100 गलतियां पूरी कर ली हैं। इसीलिए मैं ये फैसला सुनाता हूँ कि आज और अभी इसी वक्त से इसे परिवार से बहिष्कृत किया जाए। ओ माँ, पुलिस सर, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं सर? मंडिया पुलिस स्टेशन में एक लॉकअप खाली हुआ है, उसकी ओपनिंग के लिए ले जा रहा हूँ। मुझे मंडिया नहीं जाना है सर, सर मुझे उस तरफ जाना है, प्लीज ड्रॉप कर दीजिए सर। चुपचाप बैठ उधर, तू जहाँ बोलेगा वहाँ छोड़ने वाली सिटी टैक्सी नहीं है ये। चोरों के ताऊ, तुम लोग पुलिस जीप तक चुरा डालते हो, ये बताओ कितने लोग हैं तुम्हारी टीम में?
मेरा टाइम ही खराब है सर, तो मैं टीम कहाँ से बनाऊंगा सर? सब उस शराबी की वजह से हुआ है। ए, किसे तू शराबी कहकर बुला रहा है? आपको नहीं सर, वो शराबी ऑटो वाला सर। वो अंग्रेजी की औलाद, जो ड्रिंक्स मैं पीता हूँ उसे वो लोकल कहता है और मुझे वो अपना सर्वेंट बना रहा है। दोबारा मेरे हाथ लगाना तो मैं उसे एरोप्लेन में चढ़ाऊंगा। जब तक उसका श्राप नहीं कर देता तू मेरे पास ही रहेगा। बताइए कहाँ जाना है? तिरुपति का एक टिकट दीजिए सर। Excuse me, आप यहाँ बैठेंगे? तुम बैठो। क्या बॉस, मैं पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सफर कर रहा हूँ और आप उठा रहे हो उसे तिरुपति जाने वाली बस में ये सब? उससे क्या फर्क पड़ता बॉस, अपना दिल तो वैसा ही है ना। मैडम मेहरबानी करके जरा पैर हटाएंगी। ऑटो के 600 रुपए, ट्रेन मिस हुई उसके 600 रुपए, तुम्हारी वजह से मैं बस से जा रही हूँ उसके 800 रुपए, टोटल 2000 रुपए दे दो मैं पैर हटा दूंगी। या फिर कंडक्टर से कहूँ कि बस को पुलिस स्टेशन की तरफ ले चले? नहीं नहीं नहीं, फिर से पुलिस के चक्कर में नहीं। क्या ठीक है, देता हूँ प्लीज। मैं नहीं मानती, तुम जैसे लड़कों का कोई भरोसा नहीं। पहले पैसे निकालो, चलो पैसे दो, बाद में देता हूँ ना मैडम। हेलो दीदी, ट्रेन में बैठ गई? हाँ, मैं सेफली ट्रेन से आ रही हूँ। ओके, ख्याल रखना, ठीक है, सी यू, बाय बाय। सच कहा है किसी ने, लड़के हमेशा झूठ बोलते हैं लेकिन लड़कियाँ। ए कंडक्टर, लाइट ऑफ करो यार, बैटरी डाउन हो जाएगी। भाई साहब, मेरे बाजू में जो बैठा है ना वो पक्का चोर है, अगर लाइट्स ऑफ करेंगे तो बस में जितना सामान है वो सब लेकर उड़ जाएगा। मैं बहुत बड़ा डाकू हूँ, अगर वो बस का सारा सामान ले उड़ेगा तो बाद में जो भी चाहिए मैं बटोर लूंगा। स्टूपिड फेलो। ए कंडक्टर, लाइट ऑफ करना। क्या फोन बज रहा है? हाँ पापा। बेटा पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। हाँ पापा। नेक्स्ट स्टेशन में कॉफी मिलेगी, जरा देख। कॉफी 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 कॉफी। हम दोनों एक गेम खेले क्या? कैसा गेम? मैं तुम्हें जा छूंगा, तुम भी मुझे वापस छूना, ठीक है ना? ये गेम तो बहुत अच्छा है। पहले तुम शुरू करो। कितना सॉफ्ट है, सो क्यूट, लिप्स सो स्वीट। अच्छा अब मैं खेल शुरू करता हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है। लाइट्स ऑन, लाइट्स ऑन, लाइट्स ऑन। पीछे जो बात कर रहे हैं उसे सुनकर तुम्हें भी जोश आ रहा है क्या? लड़कियों को क्रेडिट कार्ड समझ रखा है क्या? जब जहाँ चाहे स्वाइप कर लिया। ए, मैं जिस टेंशन से गुजर रहा हूँ उसमें ये सब सोच भी नहीं सकता। तुम जरा चुप रहो, गर्मी लग रही थी इसलिए विंडो ओपन करना चाहता था। कैमरा नहीं है फिर भी एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। चलो यहाँ से। क्या? उठो यहाँ से। तुम एक मिनट इस बस में नहीं रह सकते। कंडक्टर! क्या हुआ? बस तुम्हारी है या तुम्हारे बाप की है? मैं क्यों नीचे उतरूं? अगर ये बस मेरे बाप की होती ना तो तुम्हें इस बस में चढ़ने ही नहीं देती, सीधे ये बस तुम पर चढ़वा देती। ए, चल जाना। ए, चलो इसे बाहर निकालो। मैं क्यों उतरूंगा, पैसे नहीं दिए हैं क्या? कंडक्टर इसे बाहर निकालो ना प्लीज। जिस तरह तूने मुझे बस से बाहर निकाला है तेरी बीवी भी तुझे बाहर निकाल देगी, वो भी आधी रात को। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, पता नहीं कैसे वक्त पर घर से निकली थी। जैसे शनि पीछे पड़ जाता है ना वैसे ही तुम पड़े हो। मेरे 2800 रुपए देकर यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो पुलिस स्टेशन में फोन कर दूंगी। ए, 2000 थे ना, तो अब 2500 क्यों कह रही हो? यहाँ से तिरुपति जाने का पैसा कौन देगा बताओ? सामने ATM है, चलो देता हूँ। ATM से देता हूँ, चलो। ये क्या कर रहे हो तुम? लिसन, कोई देख लेगा तो? पैसे क्यों नहीं आ रहे? वही देख रहा हूँ। लात मारकर स्टार्ट करने के लिए ये तुम्हारी कोई खटारा स्कूटर नहीं है, ATM है। सूरत तो देखो, इसका एक कार्ड आता है वो डालना पड़ता है। वो पहले ही डाल चुका हूँ, ना कार्ड आ रहा ना पैसे। कार्ड का मतलब विजिटिंग कार्ड नहीं होता, ATM कार्ड। अब मैं डालती हूँ, देखो पैसे कैसे निकलते। तेरा भी फंस जाएगा। कार्ड डाला तो पैसा क्यों नहीं आएगा? किसने कहा नहीं आएगा? हाँ गलतियाँ इंसान करते हैं, मशीन नहीं। उस तरफ घूमो, घूमो उस तरफ। ठीक है। It's not working. मैंने कहा था ना। हाँ?
क्या हुआ सुमंत? जब से पैदा हुआ मेरे घर वालों ने, मेरे फ्रेंड्स, आस पड़ोस के लोगों ने कभी किसी ने मुझे चोर कह के नहीं बुलाया, लेकिन जब से तुमने मुझे चोर कहा पता है मेरे दिल पर क्या बीत रही है? I'm so sorry, सुमंत. मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना बुरा लगेगा. I'm really sorry. तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ. जब मैं स्कूल जाता था तो अगर किसी बच्चे की पेंसिल भी गिर जाती थी ना तो मैं उस पेंसिल तक को हाथ नहीं लगाता था. ऐसा क्यों? वो मुझे चोर समझ बैठा तो. मुझे चोर और चोरी से नफरत है. Of course. I'm sorry. Okay. तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते पर जाता हूँ. Okay, bye. सुमन, listen. I said I'm sorry, no? अब हम दोनों तिरुपति कैसे पहुँचेंगे? बताओ. मेरा ड्रामा काम कर गया. गाड़ी रोको. भाई साहब आप स्टेशन चलेंगे? 1000 रुपये होगा मैडम. एक छोटा सा ATM कार्ड हमें कितना करीब ले आया ना. हाँ हटो, दूर हटो. क्यों यार, क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो बड़ी स्वीट लग रही थी. मैं अपने रास्ते जाता हूँ, तुम अपने रास्ते जाओ. तुम ऐसी एक्टिंग करोगे तो तुम्हारी एक्टिंग से मैं बोल्ड जाऊंगी, ऐसा समझते हो? प्रार्थना एक एक पैसे का हिसाब रखती है. स्टेशन पहुँचने के बाद किससे मांगोगे, कहाँ से लाओगे मुझे नहीं पता. मुझे मेरे पैसे चाहिए बस. मैंने तुमसे कोई कर्जा लिया है क्या? रास्ते में सब अचानक हो गया. बस मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, जाओ. ए ड्राइवर, जरा गाड़ी रोकना. अरे नहीं भैया, चलो चलो चलो. देखो ये रिंग कैसी है. अरे ये तो मेरी रिंग जैसी है. जैसी नहीं, तुम्हारी ही रिंग है. ए, ये तुमने कब निकाली? प्लीज यार, ये रिंग मेरे पापा ने दिलवाई थी. पापा को पता चल गया तो मेरा हाथ ही काट देंगे. प्लीज प्लीज प्लीज, मेहरबानी करके वापस कर दो. चाहिए तो पहले मेरे पैसे दो और अपनी रिंग ले जाओ. कभी तो जल्दी फोन उठा मोटे. ए, क्या है, कितना फोन बजाएगा तू? हम लोग को सोने दे अभी. सुनो, जरा अपना फोन दोगी? क्यों चाहिए, तुम्हारे पास भी फोन है ना? बैटरी लो होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया. थैंक्स. अब तुम्हें मुझे देने हैं टोटल 4301 रुपए. क्या ये अचानक 1 रुपए कहाँ से आ गया? पर कॉल 1 रुपए. हेलो प्रार्थना, एक एक पैसे का हिसाब रखती है. तुम्हारी सूरत से तुम्हारा हिसाब किताब मैच नहीं करता. क्या? हेलो 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 हेलो. बहुत कॉस्टली फोन है, बी केयरफुल. हेलो, सुमन के हाथ में जो भी आता है स्विस बैंक की तरह सेफ हो जाता है, समझे? जय माँ चामुंडेश्वरी. तुम्हारा फोन लगभग 10,000 रुपए का तो होगा ना? अगर 10,000 का होता तो मैं कॉस्टली क्यों कहती, पूरे 30,000 का है. इसका मतलब मुझे तुम्हें 34,301 रुपए देने होंगे. किस लिए? तुम मुझे 34,301 रुपए नहीं बल्कि 34,351 रुपए दोगे. क्या 51 रुपए? ये अचानक 50 रुपए कैसे बढ़ गए? एक्चुअली मेरे मोबाइल में 50 रुपए का बैलेंस भी था. हे भगवान, मुझे इससे बचा ले प्लीज. क्या हुआ भाई साहब? मैडम टायर पंक्चर हो गया. तो चले क्या? हा? मैं उस तरह का नहीं हूँ मैडम, मैं श्री रामचंद्र जैसा हूँ. मेरा मतलब पंक्चर वाले के पास चले क्या? सॉरी मैडम, नहीं मैडम. बॉस आप क्या करें बॉस? यही 4 किलोमीटर दूर है भाई, जाकर बनाकर लाना पड़ेगा बस. ओके, मैं जा रहा हूँ, डोंट वरी. हेलो, तुम क्यों जाओगे? भाई साहब आप जाकर आओ प्लीज. नहीं मैडम, मैं गाड़ी छोड़कर नहीं जा सकता. पंक्चर गाड़ी कोई क्यों लेकर जाएगा मेरे भाई, मैं हूँ ना यहाँ पर, तुम जाओ प्लीज जाओ. नहीं मैडम, गाड़ी छोड़कर जाता हूँ तो मेरी बीवी मुझे गाली देती है. अरे टेंशन क्यों ले रही हो, मैं वापस आ जाऊंगा, डोंट वरी. ठीक है, ओके ओके ना. ओके जाओ. थैंक यू. ये बैग मेरे पास रहेगा. बैग संभाल कर रखना. बाय. हाँ आने में लेट होगा. बताती हूँ. हाँ ठीक है. हाँ. बापरे, तिरुपति एक्सप्रेस पकड़ ही ली. हैं? ये तो मेरी सीट है. ए बॉस, चलो उठ जाओ, ये मेरी सीट है. भाई साहब 10 घंटे से यहीं सो रहा हूँ, मेरी सीट है ये. बॉस, मैं लेट आया हूँ इसलिए तुम लेट गए, अब उठ जाओ. कहीं और जाकर लेटो. डिस्टर्ब मत करो भाई, जाके भाई कोई दूसरी सीट. अच्छा, पकड़ दो ना. चलो अपना टिकट दिखाओ. तिरुपति एक्सप्रेस. हाँ तिरुपति एक्सप्रेस ही है. S2, हाँ S2 ही है. 24, ये 24 ही है.
क्या सर? लोग तिरुपति जाके बाल मुड़वाते हैं और आप मैसूर से तिरुपति जाते समय बाल मुड़वा कर जा रहे हैं? अरे यार, तिरुपति में अपना बाल मुड़वा कर मैसूर वापस जा रहा हूँ। ये तिरुपति से मैसूर जाने वाली तिरुपति एक्सप्रेस है भाई। गोविंदा 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 गोविंदा। सर सर, आप वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी भाग कर आओ सर। अरे ट्रेन निकल जाएगी सर, जल्दी भाग कर आओ। जल्दी आओ, जल्दी। हाथ दो सर, हाथ दो। जल्दी आओ सर, जल्दी। हाँ, मेरा बैग कहाँ है? मेरे पास है बॉस, डोर ओपन कीजिए। हाँ प्लीज सर, प्लीज। हाँ स्टॉप। अरे मेरा बैग। अरे जल्दी आओ, जल्दी, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। अरे तेज दौड़ो, तेज, जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी दौड़ो दौड़ो। अरे मेरे बैग में सब कुछ है, जल्दी आओ। मिल गया, कहाँ भाग रहे? अरे मुझे छोड़ो सर, मेरा बैग उनके पास है। सुमन अकल है कि नहीं? कल मेरे भाई की शादी, अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो क्या होगा पता है? तुम अपनी बहन के पास नहीं पहुँचोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरा परिवार छिन जाएगा। लेकिन तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ? तुम हो कौन? आखिर तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? जानते हो मेरे यहाँ तक आने का कारण कौन है? तुम हो। आधी रात को एक सुनसान सड़क पर तुम एक लड़की को अकेले कैसे छोड़ सकते हो? सारी दया नहीं। ये लो तुम्हारी रिंग और ये लो तुम्हारा बैग। I'm extremely sorry. ये ले लो प्लीज। सुनो, मुझ पर भरोसा हो जाएगा तब तो ले लोगी ना? इतनी सी बात है ना? बोलो। ठीक है, तुम्हें तिरुपति में तुम्हारी बहन तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, ओके? और जो तुम्हारे बर्बाद हुए हैं 34,351 रुपए दे दूंगा, ओके ना? 34,351 रुपए नहीं, सब मिलाकर 39,351 रुपए। ये तो चीटिंग है यार। ये 5,000 रुपए कहाँ से बढ़ गए? ब्याज है या चक्रवर्ती ब्याज है? ये चक्कर का ब्याज है। उस टैक्सी ड्राइवर ने टायर का पैसा मुझसे वसूला बताया। प्रार्थना, एक एक पैसे का हिसाब रखती है। अच्छा ये बताओ, उस टायर का क्या किया तुमने? वो टाइम हो रहा है ना, आओ चलते। नो वेट, मुझे ड्रेस चेंज करनी है। वो क्यों? तुम पर गिरी थी ना ये जमदानी, में थोड़ी सी फट गई। कहाँ? सॉरी, चलो चलते हैं। ए, तुम क्यों डर रही हो? मुझे डरना चाहिए। तुम क्यों डरोगे? और नहीं तो क्या, लाइफ में पहली बार लेडीज वेटिंग रूम में बैठा हूँ ना, इसलिए। अच्छा खैर छोड़ो, एक गाना सुनाओ। गाना? वो क्यों? तुम्हारे हाथ बांधे हैं, मुंह नहीं, कहीं चुपचाप छोड़कर भाग गए तो? यानी अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं हूँ प्यार तेरा। ओके ओके, बस हो गया। रफी साहब, तुम्हें भागना है तो भाग जाओ, पर गाना बंद करो प्लीज। ओह गॉड। क्या हुआ? अब कुछ नहीं। चलो। एक कविता सुनाइए मैडम। रहने दो मैडम, रहने दो। मैं ही सुनाता हूँ।
पेड़ लगा के फायदा नहीं, जमीन ही उपजाऊ नहीं। दौलत का कोई फायदा नहीं, दिल में ही दया नहीं। रूप का कोई फायदा नहीं जब गुण ही नहीं। उजाले का कोई फायदा नहीं जब रोशनी ही नहीं। हमारे जीने का कोई फायदा नहीं जब ज्ञान ही नहीं। हर हर महादेव। ये कविता किसने लिखी है? मुझे पता है सर। किसने? आपकी दीदी ने लिखी है। तेरी तो। अबे जब पूरी जानकारी ना हो तो बीच में कूदा मत कर, बेइज्जती होती है, समझा? सर तुमसे कुछ कह रहे हैं। हैं? सॉरी सर। सर, सर एक मैं सुनाऊं क्या सर? मुझे एक आती है सर। कुछ ऐसा सुनाओ कि मजा आए। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे। और जब पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। ए भगवान, आज कहां से इन जाहिलों के बीच में फंस गया मैं। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सुनाता हूँ सर, मैं सुनाता हूँ। चलते रहो सबको हटाते हुए, चलते रहो सबको हटाते हुए, चलते रहो झुके बिना डरे बिना, आगे बढ़ो आगे बढ़ते रहो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलते रहो सबको हटा के। क्या हुआ, इसे खोला क्या तुमने? मुझे पर्सनल काम है इसलिए। पर्सनल काम हो या ऑफिशियल काम हो, ये खुलेगा नहीं, समझे? ये करना है, चलोगी? वहाँ मैं नहीं चल सकती। ओके बाय। ओके ए इधर आओ। क्या हुआ? वहाँ बदमाश लोग हैं। कोई बात नहीं, मैं रोक लूंगा। हेलो, प्रार्थना नाम है मेरा। मैसूर के बड़े बड़े लफंगों से डील कर चुकी हूँ, फिर ऐसे चिल्लर लफंगों से मैं डर जाऊंगी क्या? हाँ तुम जाओ। ठीक है मैडम। क्या लड़की है ये भी। अरे बाप रे बाप रे। बताओ तो क्या हुआ, बोलो ना क्या हुआ। कुत्ता, चुप। तुमने तो कहा था बड़े बड़े गुंडों से डील कर चुकी हो। बड़े बड़े लोफरों से डील करने की मेरी हिस्ट्री है, लेकिन मैंने कभी कुत्तों से डील नहीं की है। समझे ना? अब हिस्ट्री छोड़ो, और अगर तुम जल्दी नीचे नहीं उतरी तो मैं पेंट में सुसु कर चुका हूँ, ये मेरी हिस्ट्री में रजिस्टर हो जाएगा। I'm sorry, ये वो कुत्ते की वजह से हुआ। मैं आ रहा हूँ। कुत्ते से डर के ऐसे लिपट गई जैसे मैं इसका सब कुछ हूँ। कुत्ता है क्या? डरना मत, मैं यहीं पर हूँ। प्रार्थना। प्रार्थना। Thank you.
सुमंत मत मारो प्लीज, सुमंत मत मारो प्लीज, प्लीज सुमंत वो मर जाएगा। मर जाने दो, ऐसे बदमाश लोग डेली बस में, ट्रेन में, हर जगह एटीएम में, रोड पे, मार्केट में, टेम्पल में, यहाँ वहाँ हर जगह होते हैं। इनकी वजह से कोई भी अकेली लड़की पब्लिक प्लेस पे जाने की हिम्मत नहीं करती है। इन लोगों को तो कल तुम्हारे भैया की शादी है इसीलिए रोक रही हूँ। प्लीज हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, चलो प्लीज। सर सर तिरुपति एक्सप्रेस गई क्या? अरे आएगी तो जाएगी ना, दो घंटे लेट है। क्या कर रहे हो? लवली सर, बाप रे। जब छोटी उम्र में तुम्हारी बहन भूख से रोने लगती थी तब पैसा नहीं होता था और तुम सोचते थे कि मैं क्या करूं। तब फर्स्ट टाइम तुमने दूध के लिए चोरी की और उसके बाद आदत पड़ गई और अब तुम एक प्रोफेशनल चोर बन गए हो। Am I right? Tell me. लगता है पुरानी फिल्में बहुत देखती हो। जी हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? पता चल जाता है। छोड़, मेरी जो लाइफ है ना उसमें दूध के डब्बे और बूंदी के लड्डू से बड़ी प्रॉब्लम है। ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें बता देता तो रिंग के साथ ऐसे भी उड़ा देती, इसीलिए नहीं बताया। मतलब मैं तुम्हें इतनी चालू लड़की लगती हूँ क्या? क्यों हा? इसमें कोई डाउट है? एक्सक्यूज मी, जोक कर रहा था यार। एनीवे, आज मेरे भाई की शादी है, शादी होते ही सारा कर्जा चुका दूंगा, क्योंकि हिसाब किताब चाहे एक रुपए का भी क्यों ना हो चुकता जरूर करना चाहिए। शेमलेस, जैसा तुम सोचते हो ना मैं वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। गो गेट सम टी नाउ, बाय टू टी, पैसे मैं दूंगी। ओके। लड़की को भगा के ले जाएगा, लड़की को भगाएगा तू? तो शाला बंदा है, लड़की को भगा के ले जाएगा? सुमन प्लीज, अब तक जितना है उतना काफी है, अब और लड़ने की जरूरत नहीं है, बेकार में रिस्क मत उठाओ, प्लीज मेरी बात मान जाओ। दस लोग मिलके एक को मार रहे हैं और मैं खड़ा हूँ तमाशा देखो? तिरुपति पहुँचना इम्पोर्टेंट है, हम इस झमेले में क्यों पड़े? दूसरों की मुसीबत में तमाशा देखना औरों का काम हो सकता है, लेकिन मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं उसे जरूर बचाऊंगा। सर मर जाएगा बेचारा, सर बातों से भी काम हो सकता है। सर अपन उसके लिए यहाँ नहीं आए। शांति से बैठकर बातें करने की जगह हाथ पैर चला रहे हैं आप लोग, यही आपके संस्कार हैं क्या? हालात बदल जाए तो बात करने का तरीका भी बदल जाता है, काट के रख देंगे तुझे। इंसान चाहे कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन ना तो उसकी मर्दानगी कम होती है और ना ही इंसानियत कम होती है। सर सुन, अगर जीना चाहता है तो चुपचाप निकल ले। जिसे जीने की ख्वाहिश होती है वो कभी भागता नहीं है, संघर्ष करता है। भागूंगा नहीं सर, आप दोनों को एक करके ही जाऊंगा। अबे हमें ललकारता है, मेरे एक एक आदमी एक एक शेर के बराबर है, खून पी जाएंगे तेरा। एक दो तीन चार पाँच छह, डलागवाजी बोल के गिनती गिन रहा है क्या? और कुछ नहीं सर, परसों पेपर में पढ़ा था कि हमारे देश में 1666 शेर हैं, अब उसमें इन चार को भी मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर 1670 शेर हो जाएंगे, यही सोच रहा था। समझ गया ना, इसीलिए तेरे जैसे पिद्दी जानवरों को किनारे हो जाना चाहिए, नहीं तो शिकार हो जाओगे। भाई हर शांत रहने वाला आदमी साधु नहीं होता है, किसी किसी के सिंह भी होते हैं। देखते कौन किस पे भारी पड़ता। ये ले तो। सुमंत, सुमंत,
सर यही क्या सर सर हमें जरा लिफ्ट दे सकते हैं? लिफ्ट चाहिए तो किसी अपार्टमेंट में जाओ यार, कार में ढूंढोगे तो कार मिलेगी, लिफ्ट अपार्टमेंट में होती है उससे ऊपर जाओ। वो लिफ्ट नहीं सर, आप हमें आगे ड्रॉप कर देंगे? अरे रे रे, ड्रॉप चाहिए तो किसी मेडिकल स्टोर में जाओ, कान में ड्रॉप डलवा लो, नाक में ड्रॉप डलवा लो, जहाँ जहाँ छेद है वहाँ वहाँ ड्रॉप डलवा लो। मजाक मत कीजिए सर, आप भी तो उसी तरफ जा रहे ना, ड्रॉप कर दीजिए ना। देखो तुम मुझे थ्रिल देने की कैपेसिटी रखते हो ना, तो मैं तुम्हें आगे ही नहीं गाड़ी रिवर्स करके पीछे भी छोड़ दूंगा। आई वॉन्ट थ्रिल, कैन यू? सर आपको थ्रिल चाहिए ना, आपको ऐसा थ्रिल देंगे कि लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है ना? वेरी गुड, चलो। हाय यंगस्टर्स, माय नेम इज इंद्रजाल। मेरा नाम अजीब है ना? अजीब नहीं सर, बहुत ही अजीब है। मैं दरअसल 50-50 की तरह हूँ। 50-50 की तरह? हाँ, क्योंकि आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गया है ना, वो किसे दे ये किसी दे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं भी 50-50 हो गया हूँ। यू सी आई हैव वन स्मॉल प्रॉब्लम। वो क्या सर? ओवर थ्रिलिंग हो जाती है ना, तो मैं रोक नहीं पाता, आराम से सो जाता हूँ। घबराने की बात नहीं, मैं रात को सोया नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे दिन में सोए बिना रहा नहीं जाता। डोंट वरी, तुम लोगों को मैं 10 मिनट और देता हूँ। उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं, भड़क जाऊंगा। सर 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 नहीं सर, कपाल के सर, ये क्या कर रहे हैं सर? सर हम आपको थ्रिल देते हैं सर। सर थ्रिल? व्हाट इज दैट थ्रिल? सर गुंडे हमारा पीछा कर रहे हैं सर। राउडी नो, यू मीन सर सर आई लाइक दिस, ये बात मुझे बहुत पसंद आई। कम ऑन चीज, ये क्या है, खून के धब्बे? कोई नया फैशन है क्या? ऐसा नहीं है सर, जरा झगड़ा हो गया था। क्या बोला, झगड़ा? यू मीन फाइट? ये थ्रिलिंग मुझे बहुत पसंद है। बहुत जम के मारा तुम्हें क्या? हेलो, उन्होंने नहीं मारा, हमारा सुमन सर बैग से अच्छी खासी पिटाई की उनकी। ओ सुपर यार, बैग से मारो तो इतना खून निकल गया। हाँ, सच में सर, बैग में देखना पड़ेगा, बैग में क्या? पत्थर? हेलो हेलो संजय, मैं सुमंत। सर आप कहाँ पर हो सर? मेरा बैग कहाँ है सर? बैग मेरे पास है, लेकिन बैग में पत्थर क्यों है? सर अकेले घर से निकलना अशुभ होता है, इसीलिए घर से निकलते समय पत्थर रख लो, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है सर। अब पत्थर रखना चाहिए तो इतना बड़ा पत्थर? कहते हैं बड़ा पत्थर ले जाओगे तो बड़ा काम मिलेगा सर। गुंडे पीछा करें सर, जल्दी चलिए। यस चेस, ये गाड़ी नहीं रुकेगी, कम ऑन चेस चेस। यस कम ऑन सर, प्लीज सर जल्दी कीजिए वरना वो हमें मार देंगे सर। ये दोनों लवर्स हैं सर, घर से भाग कर आए हैं। डोंट वरी, इन लवर्स को मैं थ्रिलिंग देता हूँ। आगे एक मंदिर है, वहां ले जाकर इन दोनों की शादी करवा देता हूँ। चेस, ओके जल्दी करो, उनके आने से पहले काम हो जाना चाहिए। ठीक है सर। नमस्ते पंडित। नमस्कार नमस्कार। इन दोनों की शादी करवानी है। मंगलसूत्र लाए हो क्या? मंगलसूत्र? आपके पास कोई मंगलसूत्र है पंडित जी? ये मंदिर है, यहाँ अक्षत कुमकुम ही मिलता है, मंगलसूत्र तो ज्वेलरी शॉप में मिलेगा। मंगलसूत्र दे दिया? ए, अरे तुझे अकल नहीं है क्या? जो मंगलसूत्र मुझे पहनाना था अनजान को देकर दूसरे के गले में पहनवा दिया, अपने आप को समझता क्या तू? सिचुएशन की डिमांड थी भैया। व्हाट कैन आई डू बॉस? व्हाट कैन आई डू? व्हाट शुड आई डू? अब मैं अपनी पत्नी को कौन सा मंगलसूत्र बांधूंगा? चल बता बता बता, क्या करूं मैं बता? बस ना है मंगलसूत्र? देख तू बहुत कंफ्यूज कर रहा है यार। अरे हुआ क्या, कम से कम ये तो बता। बोलने दोगे तब ना?
अरे लेकिन पहले इसे पूरी बात बताने तो दो। देखो अरे तुम रो क्यों रही हो? मेरी दीदी की याद आ गई। उनकी कुंडली में बहुत बड़ा दोष है, इसलिए उनकी शादी भी नहीं हुई। वो नहीं होता तो वो भी इसी तरह किसी से प्यार करके शादी कर चुकी होती। उस दोष को शांत करने का बड़ा सपना लेकर वो भी इस वक्त तिरुपति आई हुई है। तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। सर, वेरी नाइस। तो इन दोनों की शादी करवा कर ही ला रहे हो ना? अब इनकी लाइफ में थ्रिलिंग ही थ्रिलिंग, थ्रिलिंग ही थ्रिलिंग। वेरी गुड। आखिर तुमने इलावस को मिला ही दिया। Yes, sir. कितने सालों से तुम दोनों की फ्रेंडशिप है? वो एक दस साल नहीं सर, वो एक मतलब एक साल एक घंटा हुआ है सर। एक घंटा? सिर्फ एक घंटे की फ्रेंडशिप में इतना बड़ा रिस्क उठाया? हे, यू आर ग्रेट मैन। थैंक यू सर। दरअसल तुम्हें पैदा करने वाला पिता ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने बेटे को देख रहा हूँ, वो भी तुम्हारी तरह है। आप बोल्ड एंड ग्रेट बॉय। आपका बेटा क्या करता है? 6 महीने पहले वो गुजर गया। कैसे हुआ सर? वो भी मेरी तरह थ्रिलिंग थ्रिलिंग करते हुए रोड में तेज बाइक चला रहा था, एक्सीडेंट हुआ, चल बसा। उसकी यादों में मैं भी पागलों जैसा रोड में भटकता रहता हूँ। कोई बात नहीं, तुम लोग टेंशन मत लो। गो, ओके, टेक केयर, ओके। तुम दोनों गाड़ी में बैठो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस, बाय, टेक केयर। आप चलें? अगर हम लोग सही टाइम पे नहीं पहुंचे ना तो वो गुंडे उनको जरूर जान से मार देते। खैर, खुशी की बात ये है कि वो दोनों एक हो गए। ये बताओ तुम उदास क्यों हो? उनके लिए तो सब कुछ ठीक होगा, पर तुम्हारा क्या होगा? माँ के कहने पर मंगलसूत्र लाने गए और ट्रेन मिस कर बैठे। हाँ, अब उन दोनों को एक करने के लिए वो मंगलसूत्र उन्हें दे दिया। अब ना मंगलसूत्र है और ना ही पता है कि ट्रेन कौन से स्टेशन पर है। अब क्या करोगे तुम? वही तो सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। अच्छे लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते, ऐसा मेरी दीदी हमेशा कहती है। डोंट वरी, शी विल बी ओके। स्टॉप स्टॉप, हे स्टॉप, प्लीज प्लीज स्टॉप स्टॉप। सुमन, सुमन चाचा जी, तुम यहाँ पर कैसे? और ये लड़की कौन है? वो सब छोड़िए, आप यहाँ कैसे? बेटा मैं तिरुपति में रह रहा हूँ, रोज चित्तूर सामान ले जाता हूँ, ये लॉरी मेरी ही है। हा? मैं तिरुपति ही जा रहा हूँ। तिरुपति जा रहे हैं? हाँ हाँ, तो फिर चलिए ना। अब एक गलती करने पर घर से बाहर निकाल देंगे, ये जानते हुए भी इसने कितनी बड़ी गलती कर दी। देखिए, शादी करवा दी और क्या करता चाचा जी। टेंशन ये है कि मंगलसूत्र भी देना पड़ा, अब मंगलसूत्र के बिना कैसे जाऊं? पिताजी को पता चला ना तो पता नहीं क्या होगा। मंगल सूत्र चला गया तो हिम्मत मत हार, वो बैग खोल, उस साइड में एक बॉक्स है उसे निकाल। मंगल सूत्र? 4 महीने पहले मैंने एक मंगल सूत्र खरीदा था, लेकिन शादी का वादा करके उन्होंने घर से निकाल दिया मुझे। लव यू चाचा, थैंक्स। कहते हैं दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है, उसी तरह इस मंगल सूत्र पर किसी का नाम लिखा होगा। मेरे किस्मत में तो ये योग नहीं है, तुम्हारे भाई के ही काम आ जाए। बाप रे, अब टेंशन कम हुआ। चाचा जरा फोन दे रहे। हाँ। हेलो संजय पाटिल जी, कहाँ हैं आप? आप कहाँ हो सर? सर अब 15 मिनट में ये ट्रेन तिरुपति पहुँच जाएगी सर। सर मेरा बैग संभाल कर रखना, उसके अंदर जो पत्थर है ना सर, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, डोंट वरी। ट्रेन कहाँ तक पहुँची है? चाचा जी 15 मिनट में तिरुपति पहुँचना होगा। सिर्फ 15 मिनट में? हाँ मुश्किल है। चाचा जी आप यहाँ आइए, मैं चलाता हूँ। Oh!
पूछने ही वाली है। ये लो तुम्हारा बैग। मेरा बैग। इसमें पत्थर और सर्टिफिकेट सही तो है ना? देख तो लूं। तो मैसूर में छोड़ी ट्रेन को तिरुपति में आकर पकड़ लिया। मैंने सोचा तुमने रात भर आराम किया होगा, लेकिन तुम तो रात भर भागम भाग कर रहे हो। ग्रेट एडवेंचर। जीजाजी तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं? छोटे मालिक, एक आप हैं जो पहुंच गए, कोई दूसरा होता तो फंस जाता। सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे एक डाउट है। तू चुप रह, जब देखो तुझे डाउट ही रहता है, हमेशा उल्टा ही बोलेगा। आपने ठीक कहा। ए, शादी के बारे में डाउट बोला तो भगा दूंगा। ए, मंगलसूत्र मुझे देना, तिरुपति में सामूहिक विवाह बहुत होता है, तू किसी और को दे देगा। ए, कार रोको। ए, जल्दी बताओ इस मांडिया को मांडिया से तिरुपति कौन लेके आया? मुझे जानना है। तू लाया? मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मुझे तिरुपति में कोई लेके आया, कौन है मैं जानना चाहता हूँ। उसको अभी मैं मारूंगा। ए, तुम खुद यहाँ पर आए हो, चलो गाड़ी में बैठो। मैं खुद ही आया क्या? मुझे याद ही नहीं रहता। चलो चलो चलो। सुनो दामाद जी, इधर आओ। हाँ बाबूजी, बोलिए। देखो लड़के वालों के पहुँचने का टाइम हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कभी ना खाया हो ऐसा खाना पकवाओ। अरे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनवा रहा हूँ बाबूजी। अच्छा? जरा बताना तो क्या क्या बनवाए। जीरा डाला हुआ राइस, बैंगन डाला हुआ तड़का दाल, बीटरूट का सब्जी, चबाने के लिए पापड़, चखने के लिए बहुत से अचार, सूंघने के लिए देसी घी का तड़का, पीने के लिए मसाला छाछ, खेल खत्म, नाटक बंद, इससे अच्छा है। क्या बोल रहे हो, इन सब में आखिर हट कर क्या है? ऐसा खाना तो हर जगह खाने के लिए मिलता है। सुनिए, खाना वाना डिफरेंट नहीं होना चाहिए। पकाने के लिए जो लाते हैं बर्तन, बर्तन हंडी भाड़ी, वो डिफरेंट होता है। वो हंडी भाड़ी लेकर आए हुए बराती चप्पल छोड़कर भाग जाना चाहिए। और सब लोग यहाँ से भाग गए तो मैं अपनी बेटी की शादी किससे करवाऊंगा? किसी भी तरह से प्लीज भगवान के लिए कुछ डिफरेंट डिश बनवाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। डिफरेंट? पुदीना में छाछ डलवाऊं या छाछ में पुदीना डलवाऊं? कुछ तो डिफरेंट दिखाना ही होगा। अरे पक्का माला डालने वाले का यहाँ क्या काम? जाओ सबरीमलय। मैं सपेरा हूँ साहब। तुम सपेरा? हाँ। हो तो सपेरा होकर इस घर वालों से क्या संबंध? कल रात अपनी पिटारी यहीं रख कर गया था, थोड़ा सा लगाने के बाद मैं टाइट होकर वहीं पर लुढ़क गया। बेचारा सांप कल से कुछ खाया नहीं है साहब, इसीलिए उसका खाना लेकर आया हूँ। जाओ खिला दो। ऐसे कैसे खिला सकता हूँ साहब? क्यों भाई, आप तो उसी के ऊपर बैठे हैं। क्या मैं? अरे बाप रे बाप, अरे सांप है यहाँ पर। अरे डरो मत साहब, ये कुछ नहीं करेगा। कहाँ है सांप? कहाँ गया? अरे मेरा सांप शादी के घर में जा रहा है। ओए 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 ओए, सांप अंदर गया है, ये बात किसी को पता ना चले। हा? अगर ये बात मेरे ससुर जी को पता चल गई ना तो तुम्हें सांप से कट 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 करके कटवा देंगे। अब मैं क्या करूँ साहब? अब ना, इधर सुनो, मैं तुम्हें एक जोड़ा कपड़ा दे रहा हूँ, उसे पहनकर तुम अंदर चले जाओ, सेफ्टी से उस सांप को पकड़ लो, फिर चुपके से यहाँ निकलो। पैसे भी मिलेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। इनके सांप मुझे मिल गया तो सांप मंजूरियत बनाकर मैं ससुर जी से शाबाशी ले लूंगा। आइए आइए समधी जी, स्वागत है। नमस्कार। सफर में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, आराम से गुजरा। शादी की तैयारी कैसी चल रही है? वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, फर्स्ट क्लास एकदम। लेकिन आपके चेहरे पे टेंशन क्यों है? वो क्या है कि लड़के वाले आ जाते हैं तो टेंशन बढ़ जाती है। मेरे दिमाग में एक डिफरेंट आइडिया आया है, मोर को ना मैं फ्राई करवा देता हूँ। मोर? मोर क्या? अब ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल ये मेरे दामाद जी पूछ रहे थे कि मोर राष्ट्रीय पक्षी है कि नहीं। मैंने कहा कि कौआ है, बस और गलत। कौआ नहीं, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। समझ गए दामाद जी, आप आइए आइए। भैया शादी के बाद उछल कूद करना, तब तक जरा शराफत दिखाओ, थोड़ा मेंटेन करो, डिसेंट रहो। आइए दामाद जी, आइए आइए दामाद जी, स्वागत है आपका। बड़े दामाद जी, इन्हें अंदर लेकर जाइए। एक कुल्फी आपके लिए रखवा दी है मैंने, शादी में खाते रहिए। नमस्ते, कैसे हैं आप? जी सब ठीक है। अब नमस्ते, मैंने पहचाना नहीं, ये मेरा छोटा बेटा है। हेलो, हो कैसे हैं आप? सुमन, मैं ठीक। वेरी गुड। शादी के घर में ट्रॉनिक मिलेगा? सांप? ए, क्या करे वहाँ? डरो मत, सांप है, डोंट वरी डोंट वरी। लेडीज टॉयलेट में झांक रहे हो और झूठ बोल रहे हो कि सांप है, चलो जाओ यहाँ से। मुझे दिन में ही नहीं दिखाई देता है, वैसे बाथरूम में अंधेरा है तो क्या खाक? इसे मार क्यों रही है? देखिए ना, जब मैं बाथरूम में गई थी तब ये मुझे झांक के देख रहा था, मेरे पति ने भी कभी नहीं देखा। ये देखेगा तो इसे पता चलेगा, इसके अलावा सब नहीं देखा। मैडम मैडम रुक जाइए, सुनो, इसे कुछ समझ में नहीं आएगा। सॉरी, प्लीज प्लीज आप लोग जाइए, आप जाइए यहाँ से प्लीज। इसे तो शमशान घाट लेके जाना चाहिए। शर्म नहीं आती तुम्हें? लेडीज बाथरूम में जाते हैं क्या? मैं बाथरूम में जाके आंटी को नहीं देख रहा था, सांप देख रहा था। इन्होंने मेरा काम आसान कर दिया,
लगता है खाना खाने के बाद बाथरूम के लिए गया होगा। लगता है अभी तक तुम्हारी उतरी नहीं है। अरे ऑलमोस्ट सब उतर गई है गुरु, इसलिए मैं फिर से रिचार्ज करके आता हूँ। 100 रुपए देना। ए, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, चुपचाप जाकर खाना खाओ। बड़ा खाना खिलाने वाला। चले जा रहा है। पता होता पैसा नहीं देगा तो ऑटो में नहीं बिठा था। ये शादी वाले घर में मैं किसी भी तरह 100 रुपया कमा के दिखाऊंगा। चैलेंज। कैसा लग रहा है? बस। मैं एक मिनट में आती हूँ। क्या चाहिए? मेरे को जो चाहिए वो दोगी क्या? दूंगी ना, क्या चाहिए बोलो। मुझे ना 100 रुपया दोगी? क्या इसके लिए तुम मुझ पर लाइन मार रहे थे? आपका सपना पूरा हो रहा है साहब, पंडित जी ने बहुत अच्छा मुहूर्त निकाला है, शादी होकर रहेगी। थैंक यू थैंक यू। मामा मुझे एक डाउट है। आज मंगलसूत्र पहना के रहूंगा इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जो चाहे पूछ ले, मैथ फिजिक्स या केमिस्ट्री। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, ठीक है पूछ। मामा आज तुम्हारी शादी हो जाएगी ना? यही सवाल था पूछने के लिए। इस गधे को यहाँ से लेकर जा। हेलो हेलो, मिली क्या? अरे लाइन मिली क्या? मिल जाएगा, सुबह से लगा हुआ। हेलो हेलो, जाना रोड में ट्रेन गिरी है, उसे उठा ले, लाइन मिल जाएगा। भाऊ जी जरा 10 लाख दीजिए, बोटी फ्राई करनी है। क्या कह रहे हो? मटन बोटी फ्राई करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए? टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हो चुकी है, अभी तक आप मटन में फंसे हैं। मतलब हाथी का? हाथी का? हाँ हाथी को काट कर। हाथी को क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, समझी जी। मेरे दामाद जी पूछ रहे थे कि राष्ट्रीय पशु कौन है, तो मैंने इनसे कहा कि हाथी नहीं है, ऊंट है। ना तो हाथी है ना ही ऊंट है। हाँ। हमारा राष्ट्रीय प्राणी शेर है। शेर है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं उसे पकड़ कर लिया। हमारे समधी जी हेडमास्टर थे, इन्हें सब कुछ पता है। मैं इन्हें सब बता दूंगा, आप चलिए समधी जी, आइए। ज्यादा कड़क बन रहा बूढ़ा घोड़ा। दामाद जी आपको तमीज जरा भी नहीं है कि कब कौन सी बात करनी चाहिए। मैं हूँ जो मैनेज करके चल रहा हूँ। अगर उन्हें पता चला कि मेरी बड़ी बेटी की शादी एक पागल से हुई है तो वो सब मुझे कच्चा चबा जाएंगे। बाबूजी मैं पागल हूँ क्या? मैं पागल हूँ क्या? दामाद जी इस फंक्शन में कोई बढ़िया सा डिश बनवा कर प्रूफ कर दीजिए ना कि आप पागल नहीं है। जाइए। वो मैं हाँ जाइए ना। मेरे सारे फ्रेंड्स आ गए क्या? कब क्या आ गए हैं साहब? नमस्ते। ए सुमन। हाँ इधर। कितनी देर से बैठा हूँ, दूल्हा हूँ मैं, मेरी कोई हैसियत नहीं है क्या? एक काम करो, मेरा कैमरा लाओ और अलग अलग एंगल से मेरी फोटो निकालो। हाँ ओके भैया। हेलो नमस्ते। 100 रुपया है क्या? तो फिर दो ना। दिया तो मेरी बीवी काली देगी। एक बुढ़िया को तू काबू में नहीं रख सकता, थू तेरे पे। चल निकल यहां से। सॉरी सॉरी, बुढ़िया बोला तो गुस्सा आ गया। खाना खा कर जी चलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। इस शादी वाले घर में मुझे एक आप ही बहुत बड़े इंसान जैसे लगते हो, एक 100 रुपया दो ना। कौन हो तुम? मैं तुम्हें 100 रुपया क्यों दूं? कहाँ से आए हो तुम और तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? 100 रुपए के लिए इतने सारे सवाल पूछ रहे हो? अरे तुम पैसे वाले नहीं हो, भाड़े के कपड़े पहन के यहाँ आयो। रसखल, शराब पीकर यहाँ शादी के मंडप में झगड़ा कर रहा है, तुम्हें यहाँ कौन लाया? मुझे कौन लाया ये बता दिया तो 100 रुपया दोगे? बताता हूँ रुको। हेलो बॉस। ओ शिट, ये फंसा के लाएगा। किसके साथ आया अभी बताता हूँ। पापा तू इसे जानता है? बता दो छोटे भाई, हम दोनों कितना डीप फ्रेंड्स हैं। मैं नहीं जानता। आर यू श्योर? सच कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं जानता। हमारा रिश्तेदार है। हाय मैं सुमंत हूँ। कितना बढ़िया एक्टिंग कर लेता है तू तो, सच में तेरी एक्टिंग टीवी चैनल वाले देख लेंगे तो एक्शन कट कहने से पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। अरे मैं हूँ, याद कर, ऑटो में ट्रेन मिस करके मैसूर से मंडिया रामनगर चेक पटना से होते हुए पुलिस वालों का डंडे खाकर लाकर तेरे को तिरुपति नहीं पहुँचाया था मैंने, भूल गया? मेरा बेटा उस समय ट्रेन में मेरे साथ सफर कर रहा था, तुम्हारे साथ ऑटो में कहाँ से आएगा? तुम खड़े होकर देख के रहो, जाओ काम करो। हाँ, ठीक है पापा। यहाँ खड़ा रहा तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, जाओ। अरे पीछे से मारते और अपने आप को बड़े बोलते हैं। चलिए ना कोल्ड ड्रिंक्स पीकर आते हैं। बैग में पता नहीं क्या है, बैग को उठा के सीधा बगल में दबा लिया और मेरे को चोर की नजर से देख रही है। कितनी अच्छी शादी हो रही है ना, तैयारी भी बहुत अच्छे से की गई है।
मैं कब से देख रही हूँ तुम मुझे फॉलो कर रहे हो नहीं, 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 और ऊपर से आवाज भी कर रहे हो। वो मैं नहीं हूँ बहन जी। तो फिर मेरा छोटा भाई। जान ले लूंगी तेरी। तुम्हारी दीदी नहीं आई? उन्होंने कहा मंदिर जाऊंगी फिर आऊंगी। ये बात है। हाँ? अरे बाप रे, ये तो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। अब क्या करें? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बॉस, शादी वाला घर है, प्लीज लफड़ा मत करना। मैं भी नहीं चाहता, लेकिन वो लड़की चाहिए। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं खुद लेकर आ जाऊंगा। ये क्या है सुमन, तुमने ही उन दोनों को एक किया है और अब तुम ही उन दोनों को अलग कर रहे हो। आप चुप रहिए मेम साहब, ये सब आपकी समझ में नहीं आएगा। यहाँ जरा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगा। बट सुमन, बॉस अंदर चलकर बात करते हैं प्लीज। दस मिनट में वो लड़की यहाँ होनी चाहिए। आ जाएगी बॉस। सुमन तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है पहले ही वो दोनों इतना कुछ सह चुके हैं। मरते हैं मरने दो, खत्म होते हैं खत्म होने दो। हा? मुझे अपने भाई की शादी से मतलब है। पर सुमन ये सब... कह रहा ना लेकर आ रहा है तो तुझे तकलीफ क्यों हो रही है? बिल्कुल सही कहा बॉस। इसकी बहन या दीदी होती तो पता चलता। तुम जरा मेरे साथ आओ। दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? दरवाजा खोल। अपना काम हो गया। तुम्हारी एक्टिंग देखकर मैं डर ही गई थी। करेक्ट मैडम, ये बहुत जबरदस्त एक्टिंग करता है। इसके एक्टिंग के लिए तो क्या बोलते हैं, ऑस्कर मिलना चाहिए। तुम यहाँ पर कैसे? तुम यहाँ कैसे? तुम तो मुझे पहचानते नहीं हो ना। वो तो तब नहीं पहचाना था ना, इसने मुझे एक थप्पड़ मारा और उसके बाद सब कुछ याद आ गया। दोस्त ही नहीं उसका खानदान तक याद आ गया। हेलो 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 हेलो, मेरे लिए ओवर हो रहा है ये। ओके व्हाट्स द मैटर? ये कितना भी बोले तुम दरवाजा मत खोलना, ठीक है ना? यही पहरा देना है। मुझे क्या मिलेगा? 90 दिलवाऊंगा। ओके, कोई भी आए तो मेरे को हिला नहीं सकता है। मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? हम सब अच्छे हैं। इस वक्त आप कहाँ रह रहे हैं चाचा जी? तिरुपति में ही रह रहा हूँ। तिरुपति में हो? मुझे लगा था कि आप किसी तकलीफ में हो। बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। नहीं, छोड़ो, ये तो पहले से ही ऐसा है। ये लड़की कौन है, मैंने पहचाना नहीं। ये प्रार्थना है माँ। प्रार्थना? ये मेरी पहचान की है। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। चलता हूँ। मैंने सोचा था आप लोगों से दोबारा कब मिलूंगा। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? मुझे किसी के बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं लड़की वालों की तरफ से आया हूँ और शादी खत्म होते ही पेट भर खाना खा के चला जाऊंगा। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? ये लड़की कौन है? ये लड़की वालों की तरफ से है। नमस्ते सर। हाँ बोलो। मालिक आपसे बात करना चाहते हैं। मुहूर्त निकला जा रहा है, आप क्या बात करनी है? कुछ खास बात है, आपसे ही करनी है। बिन बुलाए लोगों के साथ खड़े होकर बातें मत करो, जाओ लड़की को बुला कर लाओ। कस्तूरी, लड़की कहाँ है? वहाँ उसे बुला रहे हैं। जी वो साड़ी पहन रही है। माँ ये लोग कब से यही कह रहे हैं। क्या सुमन, ये लड़की कौन है? हमारे रिलेटिव है। हमारे रिलेटिव? हमारे खानदान में इतनी खूबसूरत लड़की? तुम्हें इससे क्या मतलब? मंत्र पढ़े जा रहे हैं? मुंह में जलेबी रखकर पेपरमिंट का स्वाद चाहते हो क्या? पूजा करो जजमान। इंसल्ट, जितनी करनी है कर लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। क्या बात है? संदीप जी कुछ नहीं है। दोपहर के 3 बजे मुहूर्त बहुत अच्छा है, तो उस मुहूर्त को हाँ कर दूँ? 12 बजे का मुहूर्त है, अब 3 बजे का कैसे हो गया? आपको मजाक लग रहा है क्या? मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। चलिए एक मिनट संदीप जी। हेलो, मिली क्या लाइन? मिली क्या लाइन? मिली क्या? नहीं जीजू, ट्राई कर रहा हूँ। हेलो हेलो, मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है बहन, साड़ी पहनने में इतना वक्त, मुझे देखने दीजिए। अरे बाबा, लेकिन दरवाजा तो तोड़ नहीं करूंगा। मुहूर्त का टाइम आगे मत बढ़ाइए। जी जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं समधी जी। सर, मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही है, लगता है कुछ अड़चन आई है। अरे क्या है, वही पूछ रहा हूँ। समधी जी आप बेकार में, आपको ऐसे गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? कितनी लड़कियाँ ऐसे भाग कर जाती है। लड़की भाग गई? कहाँ भागी? लड़की कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। जी वो एक छोटी सी गलती हो गई है। क्या?
भैया तब समझ में आया। एक्सक्यूज मी चाचा, एक मिनट रहो। क्या हुआ सुमन? अब क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3 बजे तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, 2 बजे तक लड़की को लेकर आ जाएंगे। 2:10 का मुहूर्त रख लेते। क्या कहा? घर से भागी हुई लड़की को लाकर मेरे लड़के के गले में बांधना चाहते हो? ये नामुमकिन है। अरे अरे रुकिए रुकिए, समधी जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप इस तरह की बातें मत कीजिए वरना 7 पीढ़ी से संभाली हुई मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो मिलने दीजिए, मैं क्या करूँ, आपको पहले सोचना था। सुमन, सुमन बेटा। जी माँ। वहाँ हर कोई अलग अलग तरह की बातें कर रहा है, मुझे लगता है सब लोग मिलकर हमें धोखा दे रहे हैं बेटा। मुझे बहुत डर लग रहा है सुमंत। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ, तुझसे क्या भूल हो गई बेटा? भैया की जिस लड़की के साथ शादी होने वाली है, मैं उसकी शादी किसी और के साथ करवा के आ गया हूँ। माँ, आंटी, क्या हुआ? माँ, आंटी क्या हुआ? माँ, ठीक है? माँ क्या हुआ? अरे माँ, 3 घंटे नहीं, सिर्फ 2 घंटे में मेरी बेटी यहाँ पहुँच जाएगी। रुक जाइए प्लीज। वो कभी भी आए, मुझे उससे क्या, मुझे आपसे रिश्ता करना ही नहीं है। ये बात माँ, तुम्हारे पापा को माँ, आंटी कौन समझाएगा? चलो जी, लड़की लापता है। अरे क्या, चलो चलो। सब्दी जी रुक जाइए, सुनिए मेरी बात। हेलो हेलो हेलो, दरवाजा खोल। 100 रुपए दोगे तो खोलूंगा। अबे दे दूंगा, खोल ना। वो सब मुझे नहीं पता, पहले दो। 100 रुपए ला। ओरिजिनल है भाई। वो जा रहा है भाई, उसने वो वो जा रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मुहूर्त तक तुम लोग लड़की को लेकर आ जाते तो उसकी शादी हो चुकी होती। मोबाइल स्विच ऑफ करके क्यों रखा था? भाई वही बताने आया हूँ भाई, हम लोग लड़की को लेकर आ ही रहे थे भाई, तभी आपके दामाद के छोटे भाई ने आकर किसी और लड़के से उसकी शादी करवा दी। हेलो हेलो हेलो, आंटी कुछ नहीं होगा आंटी। मोहन कहाँ है? पीछे गाड़ी में आ रहे हैं पापा। मोहन कहाँ है? वो मंडप में जाकर बैठा हुआ है, तुम इतना टेंशन मत लो। अरे भाई जरा जल्दी चलो। बाबूजी क्यों इसे मार रहे हैं? क्या चल रही है सब? क्या क्या है आखिर इसने? हमें और पुजारी को अंदर छोड़ दिया आपने, लड़की भी लेकर नहीं आए, अंदर मंडप में एक सांप आ गया है। बाबूजी मुझे पीछे से आपके लोगों ने मारा, क्या इस घर में मेरी इज्जत नहीं है? बाबूजी क्या हुआ? इसे गाड़ी में डालो। ए, ये आवाज क्यों कर रहे हो? मैं ढूंढ रहा हूँ अपने सांप को। हाँ, जीप में बैठ रहा है, अब तो मिल जाएगा। हाँ? मेरे नागराज को लेकर कहाँ जा रहे हैं? इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ए, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जल्दी चलो, जल्दी चलो, गाड़ी और तेज चलाओ। आज उस हेडमास्टर को मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, आज मैं उन्हें बर्बाद करके रहूंगा। रुक जाओ। ए, गाड़ी क्यों रोकी? पापा सिग्नल बंद है। तेरी माँ की तबीयत खराब है, तुझे सिग्नल दिख रहा है? गाड़ी आगे बढ़ा, रोड खाली है। ए, ए, स्टौप, स्टौप, स्टौप। ए, स्टौप, रोको, ए, रोको, कहाँ जा रहे हो? पुलिस वाले को टक्कर लगी। हल्की सी लगी है, कुछ नहीं हुआ, गाड़ी बढ़ाओ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अरे जरा जल्दी। बाबूजी मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तुझे जमीन में गाड़ने के लिए। गाड़ने के लिए तो लाश ले जाई जाती है, तो फिर मुझे क्यों? एक्सक्यूज मी, मुझे एक डाउट है, ससुर जी तो रसगुल्ले की तरह मीठे थे, अभी ये कड़वा करेला क्यों हो गए? कोई वजह? तुम्हारे भाई ने तुम्हारी दुल्हन की शादी किसी और लड़के से करा दी, समझे कि नहीं? अब मतलब उस लड़की से मेरी शादी नहीं होगी, उसी की शादी करवा दी। क्या बैलगाड़ी की तरह गाड़ी चला रहा है? थोड़ा फास्ट चलाना। मैं इस टॉनिक की कसम खा के कहता हूँ, आज किसी एक का सर लुढ़क नहीं चाहिए और मैं उससे फुटबॉल खेलूंगा। इस बेवड़े को कौन लेकर आया? मैं इतना टेंशन में हूँ और ये फुटबॉल क्रिकेट कर रहा है। इस संसार में जितने भी पागल हैं सब मेरे ही पल्ले क्यों पड़ते हैं? जीप रोको साहब, जीप रोको, रोको। ये कौन है जो पीछे पड़ा हुआ है? गाड़ी रोको कह रहा है। अरे तुम्हारा सांप कहाँ है मुझे नहीं पता, मुझे टॉनिक मिल गया। मेरा सांप कहाँ है मुझे पता है। पता है कहाँ है? इसी जीप में है, तुम जिसके ऊपर खड़े हो उसी के नीचे है। आपको
कुछ नहीं होगा माँ। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा माँ। मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें अपनी बीवी की जान की पड़ी है। देखो ये अभी बात करने का वक्त नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। ओहो, जब मैंने तुमसे कहा था कि मुहूर्त दो घंटे आगे बढ़ा देते हैं तो तुमने सुना था क्या? अब मैं क्यों रुकूं? तुम एक अच्छे सिद्धांतवादी इंसान हो, ये सोच कर मैंने रिश्ता किया था तुम्हारे यहाँ। कहा है मेरी बेटी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारी बेटी किसी और के साथ भागी, मुझसे पूछ रहे हो? ओहो, तो इसका मतलब तुम ऐसे नहीं मुंह खोलोगे, उसे सामने लाओ। जीजा आप माँ को अंदर ले जाओ। ये हो क्या रहा है? बड़े बेटे का मेरी बेटी के साथ रिश्ता करके छोटे बेटे को भेजकर उसकी शादी किसी और से तुमने ही करवाई ना? क्या है ये सब ड्रामा? ये जो कह रहे हैं सही है क्या? जी पापा। इस लड़की की कुंडली लाखों में एक थी, इतनी मुश्किल के बाद तुम्हारे भैया की शादी फिक्स हुई थी और तुमने उसे बिगाड़ दिया। सिर्फ एक गलती और करते तो तुम्हें घर से निकाल देता, फिर भी तुमने ये एक गलती की। एक ही गलती नहीं पापा, आपके साथ ट्रेन में चढ़ने से लेकर तिरुपति पहुंचने तक न जाने कितनी गलतियां की हैं। कौन है ऐसा जो गलतियां नहीं करता? क्या आपने कोई गलती नहीं की? मैंने कौन सी गलती की है? यहाँ हॉस्पिटल आते समय सिग्नल बंद था कि नहीं, फिर भी आपने कहा कि चलो। आपकी नजर में वो गलती नहीं है? क्योंकि माँ को यहाँ लाना था। वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले को टक्कर लगी, वो बेचारा गिरा और चोट लगी, उसके बारे में आपने नहीं सोचा क्योंकि माँ को यहाँ पर लाना था। आपके सामने इतने लोगों को मारा लेकिन आपकी नजर में कोई गलती नहीं की क्योंकि माँ को यहाँ पर लाना था। किसी को कुछ भी हो जाए लेकिन हमें अच्छे से रहना चाहिए, ऐसा स्वार्थी होना गलत नहीं है क्या पापा? उस दिन मैं किसी की हेल्प करने गया था, आपने कहा महात्मा गांधी हो क्या, भगत सिंह हो क्या, मदर टेरेसा समझते हो खुद को? मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूं पापा। वो बड़े बड़े लोग भी अपने जीवन में लोगों की हेल्प करते थे, मुझ जैसे छोटे इंसान ने किसी की हेल्प की तो ये गलत हो गया? सुमंत भैया आप चुप रहिए, आप हम लोगों की जान है पापा, हम हर दिन आपको देखकर सीखते हैं पापा। आज मैं जो भी कह रहा हूँ इस डर से नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे घर से निकाल देंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे आपसे प्यार है। छोटा था तो टीचर की तरह मुझे कहानी सुनाते थे, हर एक कहानी में कहते थे चार लोगों का भला करो और दूसरों के लिए जीना सीखो, ये सब आप ही ने तो सिखाया ना पापा। ऐसा करने में मेरी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं है, मुसीबत में किसी की मदद करना ही तो इंसानियत है और इंसानियत के रास्ते से मैं कभी नहीं हट सकता पापा। I'm sorry भैया, माँ को कुछ हो ना जाए इस डर से मैंने तुम पर हाथ उठाया। जानता हूँ आपकी बेटी के लिए आपकी शादी की क्या अहमियत है, आपकी लड़की किसी और के साथ दुखी रहे इससे अच्छा अपनी पसंद के लड़के से शादी करे, कम से कम सुखी तो रहेगी सर। अगर कहीं वो सुसाइड कर लेती तो आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। आई एम सॉरी सर अगर मैंने गलती की हो। उठ बेटा। समधी जी, आपका लड़का कितना समझदार है। काश मेरे पास कोई दूसरी बेटी होती जिसे मैं आपके घर ब्याहता, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। चलो बेटा चलते हैं। पापा अगर शादी होने के बाद वो लड़की हमारे घर से भाग जाती तो हमारी क्या इज्जत रह जाती? नाना जी मैंने कितनी बार गलतियां करके मामा का नाम डाल दिया है, इसीलिए उन्हें एक लास्ट चांस दे दीजिए ना। पापा मेरा बच्चा भी सुमंत को बहुत पसंद करता है। बाबूजी क्या है? कुछ नहीं बाबूजी। अंकल। हाँ बेटा। कल रात को ही मैं आपके बेटे से मिली थी, बात बात पर ये बस अपनी फैमिली की ही बात करता रहता है, इतना कुछ सुनने के बाद आप लोगों से मिलना चाहती थी, उस फैमिली से मिलना चाहती थी जिसने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए, जो फैमिली आपस में इतना प्यार करती है
आपका बेटा लाखों में एक है अंकल, इसे खोइए मत। माँ आप ठीक है ना? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। कैसी हो तुम? अब मैं ठीक हूँ। वो कहाँ है? उसकी कोई गलती नहीं है जी, अनजाने में ऐसा हो गया। उसे घर से मत निकालिए। ए सुमन, उन्हें लाख समझाओ लेकिन समझ में नहीं आएगा। चलो चलते हैं। एक मिनट। हाँ? इतने सालों तक तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने वालों को तुम इस तरह छोड़कर चले जाओगे तो दुख तो होना ही है। इन सभी लोगों को तुमसे कितना प्यार है, विश्वास है और तुमसे इतनी ममता रखते हैं, और इसीलिए इन सब की बातों में आकर तुम्हें माफ कर दूं। कितने सालों की भाग दौड़ के बाद तुम्हारे भाई के लिए एक रिश्ता तय किया था, वो शादी नहीं हो पाई तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? घर में डिसिप्लिन कायम रहे इसीलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट था। मेरी और मेरे घर वालों की सभी लोग इज्जत करें, आदर करें, यही सोचा था। और फिर ये बद्रीनाथ जी कह रहे हैं इनके घर में रिश्ता करवाने के लिए दूसरी लड़की नहीं है, इसका उन्हें अफसोस है। और ये लड़की कह रही है तुमसे मिलने के बाद तुम्हें पैदा करने वालों से मिलने का दिल किया उसे। ये सब सुनकर मुझे खुशी नहीं होगी क्या? फक्र नहीं होगा? सब यही कह रहे हैं कि तुम्हें माफ कर दूं। तुम्हारी गलती क्या है कि तुम्हें माफ कर दूं? अंकल, ये मेरी दीदी है। जिस दोष की वजह से आपके बेटे की शादी नहीं हो पाई, वही दोष इनकी कुंडली में भी होने की वजह से इनकी भी शादी नहीं हो पाई। ये आईटी कर चुकी हैं। आपको एतराज ना हो तो आपके बड़े बेटे की शादी इनसे करवा कर अपने परिवार का हिस्सा बनने का मौका दीजिए। हम किसी का भला करेंगे ना तो ऊपर वाला हमारा भी भला करेगा। अच्छा सा मुहूर्त देखकर तुम्हारी बहन के साथ मेरे बेटे की शादी फिक्स।